बरहापीरा नटवर वपु कर्णयो कर्णिकारं विद्वास कनक विसंवैजयन्तीञ्चमालं रन्धान बेन रधर सुदय पुरायन गोपविन्दै वृंदारण्यं सपद रमणं प्रविशाद गीत कीर्ति प्रविशाद गीत कीर्ति शिशिल भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर प्रभुपाद जी ने बताएं, अगर ये जगत का जो रनक है, ये जगत का जो आनंद है, इसी में अगर आपका मन लग गया तो जरूर आपको संसार में प्रविष्ट होना ही पड़ेगा। ये समाज का जितना सारे वस्तु है, व्यक्ति है, जो कुछ भी है, संसारी आदमियों का कितना सुख है, ये सब सुख में तुम त्यागी जीवन में हो, तुम्हारा अगर मन लग गया तो आज नहीं तो कल तुमको संसार में जाना ही पड़ेगा। दो रास्ता है, एक है आनंदमय रास्ता अपराकृत जगत में जाने के लिए चित जगत का, और दूसरा है ये जड़ जगत का क्षणभंगुर सुख आनंद। ये दोनों में विचार करके देखना कौन सी चीज आपको लेना है। बद्ध जीव ततोष्ठा जीव, अगर सत्संग के द्वारा अपराकृत जगत का बारे में उसका कोई हृदय में आनंद आए विषय, तब तो ठाकुर जी के पास जाने का कोशिश करे। और त्यागी जीवन होते हुए भी अगर संसारी व्यक्तियों का जितना आनंद हो, समाज संसार का जितना सारे आनंद है, ये भी एक किस्म का आनंद, उसमें अगर मन लग जाए तो संसार में ही जाना पड़ेगा। जो श्लोक देके शुरू किया था और प्रासंगिक श्लोक है, श्रील व्यासदेव जी गोस्वामी जी श्री सुखदेव गोस्वामी को जंगल से ले आने के लिए दो चार श्लोक को सिखा दिया था अपना शिष्यों को। अबले ओ ब्रह्मानंद में विभोर है, कुछ नहीं बोलना, सिर्फ जाके उसका नज़दीक से ये जो भागवत का जो श्लोक है, इस श्लोक को बोलना। अब बोलो महाराज क्या होगा इस बोलने से, बोले वो खींचे आ जाएगा मैग्नेट का माफिक। जैसे मैग्नेट है, चुंबक है, उसी का माफिक खींचे आ जाएगा। बोले क्यों, इसका बारे में हम पहला स्कंद में उत्तर दिया था, भागवत का ही उत्तर, आत्मा राम ओपी इत्यादि श्लोक का व्याख्या किया था। कुरुवंति हेतु किं भक्ति इत्थं भूत गुण हरि इत्यादि श्लोक का चर्चा किया था, एक नाम एक प्रथम स्कंद इस विषय में। ये परीक्षित महाराज का प्रसंग आएगा अभी, इधर जो चल रहा है, अभी चल रहा है कथोपकथन, चल रहा है बातचीत, चल रहा है इधर कैसे ये सुखदेव गोस्वामी को पकड़ के लाए, इसका बारे में सुबह में चर्चा का विषय हुआ था। सुखदेव गोस्वामी को पकड़ के लाए, उद्धव जी का जो प्रसंग अभी चल रहा है, उद्धव जी का साथ विदुर जी का साक्षात्कार हुआ, उसमें प्रसंग आया। उद्धव जी प्रेमी भक्त है, जब विदुर जी महाराज प्रश्न किए हैं कृष्ण के बारे में, उसका क्या खबर है, तो कृष्ण नित्यो लीला पधर गए, कृष्ण पूरा जादू जदुवंशी को लेकर इस विषय को बोलने गया तो बोल नहीं पाया, बड़ा प्रेम भरे अपना कंठ स्वर
अवरुद्ध हो के थोड़ा देर तक मौन रहा, उसके बाद उत्तर देना शुरू किया। इसी प्रसंग में इधर आया था जो उद्धव जी बोल रहे हैं, ये ठाकुर जी अपना जो मूर्ति है, अपना जो रूप है, ये देख के ही अपने आप विस्मित हो जाता है। इसका सुबह में चर्चा किया था, जन्म और तो लीलोप एकम सजोगम मायावलम दर्शयता गृहीतम विस्मापनम सस्व चौवगर्थे परम पदम भूषण भूषणांगम इत्यादि व्याख्या हुआ था। और उद्धव जी अभी बड़ा अफसोस कर रहे हैं कि हमको मंत्रणा करने के लिए कभी बुलाया करते थे ठाकुर जी, आओ उद्धव थोड़े एक समस्या आया इसका बारे में चर्चा करें क्या करना चाहिए। ये सब शरण करके याद में हमारा स्मृति पे आ गया और इसके लिए मेरा बहुत अफसोस हो रहा है, बड़ा हृदय दुख हो रहा है। ये ठाकुर जी मथुरा कंस विनाश के बाद जब पिता माता का पास गए कारागार, तब वंदना करते हुए इतना सुंदर स्तुति की पिता माता को, कोई भी आदमी मोह प्राप्त हो जाएगा। और ये जो इधर जो है ये तो हमने बताया भागवत में इस जगह नहीं है, अहो वो कीयम स्तन काल कूटम जिघंसया, ये जो श्लोक है अबरहा पीरम नटवर बपु, ये दो जो श्लोक है ये श्लोक तो भागवत में है ही है, लेकिन उधर ऐसा करके लिखा हुआ नहीं है कि व्यासदेव गोस्वामी ये दोनों श्लोक देखे, लेकिन ये विचार दूसरा जगह है। अहो बोकी जंसान काल कूटम जिघंसया पाय यद्यपि असाध्य लेभे गोतिम धत्रुचितम ततो अन्नम कंबदयालुम सरम ब्रजम। अहो बोकी यम स्तन काल कुटम जिघंसया अपाय यद्यपि असाधी लेभे गोतिम धत्रुचितम ततो अन्नम कंबदयालुम सरम। वो ये जो पुतना अपना स्तनों में बस 20 लेपन करके बाल गोपाल को मारने के लिए आया था, हिंसा करने के लिए आया था गोपाल को मारने के लिए, फिर भी गोपाल जी क्या की इसका प्रसंग दशम स्कंद में आएगा। बड़ा दया करके इसको भी सदगति दे दिया। कोई कोई बोलता है कि यशोदा माँ का मापी गोती दिया, ये भूल बात है, सिद्धांत विरोध है, दिया नहीं, बहुत सारे जगह सब बोला उल्टा पलटा सिद्धांत। यशोदा मैया का मापी गोती नहीं दिया, धात्री धाई माँ जैसा होता है ना, पालन करने वाली माता रहता है कभी कभी, वो धात्री माता का गोती, यशोदा माता का गोती क्वाइट इम्पॉसिबल, असंभव, ये दिया नहीं जाएगा, असंभव। और जो श्लोक हम बताया उसमें क्या है, उसमें वेणुगीता का श्लोक है, ये जो श्लोक है इसमें भगवान का रूप का वर्णन है, लीला का वर्णन है, वो वृंदावन गौचारण क्षेत्र से नंद किशोर भगवान श्री कृष्ण वापसी आ रहे हैं, बल्लाव जी भी है, सारे ग्वालवाल जितना सारे दोस्त है सब हल्ला मचा के आ रहा है, चुल छु एकदम दौड़ लगा के, गौ बछड़ा जो है वो भी इतना आनंद के द्वारा नाचते नाचते आ रहा है, पूरा दौड़ के नंदगांव की ओर आ रहा है। इसी अवस्था का एक सुंदर पिक्चर है, छवि दिया गया है। और बरहा पीर नटवर वपु कर्णयो कर्णिकार विभदवास कनक विषम वैजंती चुमा,
रंधान वेन सुधाच पुरायन गोपविंद वृंदारण्यम सपदरमनम प्राविशद गोत गोप कीर्ति। वृंदावन में प्रवेश का, लौटने का है, प्रवेश करने का हमारा वो गोप कुमार का वो याद आएगा। गोप कुमार जब सिद्धि हुआ तो कृष्ण आ रहे हैं वापस, तब यहाँ जो छवि है हम वर्णन कर रहे हैं, इधर वृंदावन प्रविष्ट हो रहे हैं भगवान सारे अपना भक्तों को लेकर, अपना परिकर को लेकर। इसी बारे में मस्तक में चूड़ा है, मतलब मोर पिछो, गले में वैजयंती माला और बंसी वादन करते हुए नटवर बपू, देखने से एकदम संग संग इतना आकर्षण हो जाएगा तो दुनिया का कोई वस्तु नहीं जितना आपको आकर्षण कर सके। ये सब बारे में सुंदर बताया। उसके बाद उद्धव जी अभी बचपन से लेकर ठाकुर जी का लीला का संक्षेप, माने बचपन में क्या हुआ, मथुरा में वसुदेव देवियों के कारागार में आविर्भाव हुआ, उसका बाद वृंदावन में लाए गए और उसका बाद उधर पालन पोषण हुआ, बड़ा भारी लीला किए सुंदर। और ऐसा करते करते कोमार काल का लीला, बचपन का लीला सारे वर्णन करके, और उसका बाद गोवर्धन धारण लीला, जब जमुना में काली नाग का दमन इत्यादि विषय में दो एक हम बता दे। विपन्नानो विष पाने नो निगृज्यो भुजगाधिपम, भले उत्थप्यापयद गाव तत्वयम प्रकृति स्थितम। जब बीस का बीस जहर मिला हुआ पानी हो गया था और गौ बछड़ा वो पानी को पान करे तो मर जाए, इसको शोधन किए कालीनाग को भगाकर। और बरसति इंद्रे ब्रज कोपाद भग्न मानी अति बिल्लला गोत्र लीला तो पत्रेनो त्रातो भद्रानु गृणता। ब्रजवासी लोगों का बड़ा भारी मुसीबत आपत्ति आया, बड़ा भारी आपत्ति आया उस समय। कोई इसको ना घुमाए, दो दिन तीन दिन पहले ठीक था, इसको घुमाना ठीक नहीं है, एक एक रखने दो। बरसती इंद्रे, जब इंद्र जी बड़ा गुस्सा होकर पूरा ब्रज भूमि को एकदम डुबा देने के लिए वर्षा किया 7 दिन तक, उस समय इंद्रों का कोप से आप गिरिराज गोवर्धन को ऐसा करके बाएं हाथ को ऐसे पकड़ के पूरा ब्रजवासी को रक्षा किए। और शरत काल में, शरत काल जो है शरतत वजन शरत शिखरैर मृष्टम मानयनो रजनी मुखम गायन कलपदम रेम स्त्री नाम मंडल मंडन। शरतकालीन जो रास हुआ था उसका बारे में वर्णन किया छोटा छोटा करके, थोड़ा इसमें सिर्फ संकेत दिया गया। इसका बाद मथुरा में आके पिता माता को उद्धार किए, कंसवध किए, पिता माता का उद्धार किए, स्तुति किए, ये सब विषय सुंदर वर्णन है। इसके बाद उद्धव जी कह रहे हैं जो अज्ञान सिद्धि निमित्त मैत्रियों का मैत्रियों का पास विदुर जी का गमन, विदुर जी का गमन। विदुर जी अभी उद्धव जी उनको बोले जे आपको
ज्ञान तत्व ज्ञान देने के लिए मैत्रेय मुनि गंगा का किनारे अपेक्षा कर रहे हैं। आप जाओ, इस समय विदुर जी महाराज जाते जाते उसका वास मैत्रेय मुनि के साथ उधर उसका संगम हो। संगम होने के बाद वहाँ बड़ा भारी प्रसंग हुआ, सुंदर, बहुत सारे प्रश्न हैं। पहले उद्धव जी कह रहे हैं कि देखो ये जो ठाकुर जी कैसे नित्य धाम को चले गए, इसका थोड़ा संक्षेप में वर्णन है। उद्धव जी कह रहे हैं जे प्रभास में जाकर उधर एक सांप हुआ था, सांप लगा था, ब्रह्मो सांप। पहले ब्रह्मो सांप लगा था, ठाकुर जी सोचे कि हमारा पूरा खानदान को कैसे ले जाए, क्योंकि ये किसी का हिम्मत नहीं कि हम पूरा खानदान को ले जाए, किसी का हिम्मत नहीं, हमारा ये खानदान को हमको ही ले जाना पड़े। तो ऋषि मुनियों के द्वारा एक ब्रह्मो सांप का व्यवस्था की, इसका प्रसंग में आएगा 11 स्कंद जब शुरू हो। उस समय ये ब्रह्मो सांप के द्वारा सारे का किया, भले प्रवास में चले गए। वहाँ जाने का बाद वहाँ बहुत सारे दान पुण्य किए, उसका बाद वो लोगों का क्या है, पित्वा अथोते तदनुज्ञाता भूत्ता पित्वा चौवारणिम, वहाँ सोमरस पान करके चित्तो भ्रम हो गया। ठाकुर जी का लीला है, आपस में लड़ाई करके सारे चले गए। बलदाव जी भी पानी में जाकर सो गया और उसका शेष नाग का रूप प्रकट किया, वो फिर चले गए। ठाकुर जी क्या की, भगवान श्री कृष्ण क्या की ना, धीरे धीरे पीपल का वृक्ष है उधर जाके शांत होकर पैरों पर पैर रखकर बैठ गया चुपचाप। उस समय कई घटना है, वो सब बाद में ही हम बताएंगे अभी तो। और यहाँ जो है, तस्मिन महाभागवतो द्वैपायनो सुहित सखा लोकानुच अनुचरण सिद्ध्यो आशोसाद जदृच्छया, ये जो तस्मिन महाभागवतो द्वैपायनो सुहित सखा, अर्थात ये जो मैत्रेय मुनि सुहित सखा द्वैपायन दास, कृष्ण भगवान उस पीपल वृक्ष का नीचे बैठ गया। बहुत सारे घटना है, अभी बैठ के उद्धव जी पागल का मापिक ढूंढते ढूंढते ठाकुर जी कहाँ गया, अंतिम में देखा जे पीपल का वृक्ष का नीचे ठाकुर जी चतुर्भुज रूप पाकर के से बैठा हुआ है। उस समय में उद्धव जाके रोना शुरू कर दिया, बोले ठाकुर जी हमको लगता है आप चले जाओगे नित्य धाम को, हमको ले चलो। उस समय ठाकुर जी उद्धव जी को सामने बैठा कर, उस समय मैत्रेय मुनि भी उपस्थित थे, बहुत सारे भगवत तत्व विज्ञान का उपदेश दिए, वो सब उपदेश जो है उद्धव जी महाराज और आपका जो मैत्रेय मुनि उधर उपस्थित थे पूरा। और उद्धव जी को आदेश किए तो तुम एक काम करो, इधर से पूरा बद्रीनारायण को चले जाओ, उधर जाके भजन करो। उद्धव जी का दो स्वरूप, उद्धव जी दो स्वरूप पकड़ के भजन करते हैं। एक तो है बद्रीनारायण में तपस्या भूमि, बद्रीनारायण है तपस्या भूमि, और वृंदावन जो है वहाँ उद्धव कुंड है, वहाँ कुसुम सरोवर का लगा हुआ पीछे जगह वो जगह। ये जो आपका बद्रीनारायण है ये तप भूमि और वृंदावन फल भूमि, दो स्वरूप में उद्धव जी महाराज भजन कर रहे हैं। एक उधर बद्रीनारायण दर्शन करने जाओ तो उधर देखोगे विग्रह जो है उसमें बद्रीनारायण नर नारायण है, उद्धव जी आएगा, गणपति महाराज सारे उसमें हैं, सर नारद जी विग्रह जो भी है उधर, ऐसा करके उपदेश दिए। वही मैत्रेय मुनि अभी वो सब तत्व विज्ञान को
विदुर जी महाराज का सामने पेश करेंगे। विदुर जी महाराज को सब तत्व विज्ञान ब्रह्म साप के द्वारा ठाकुर जी अपना जो खानदान को लेके गए, और उसका बाद जो प्रसंग हम बोला अभी मैत्रेय मुनि गंगा का किनारे जाके बैठ गए, और उद्धव जी महाराज बोले आपका लिए अपेक्षा कर रहे मैत्रेय मुनि, आप जाओ उधर जाके आपका साथ प्रसंग होगा। यहाँ पंचम अध्याय में तृतीय स्कंदों का जो सुखदेव गोस्वामी इधर बोल रहे कि गंगा नदी का किनारे द्वारी द्वनद्या ऋषभो कुरुणाम मैत्री मैत्रियम आसीनम अगाध बोधम। मैत्रेय मुनि जिसका अगाध बोध अनंत ज्ञान राशि तत्व ज्ञानियों में श्रेष्ठ, वो गंगा किनारे बैठे हुए, उधर उद्धव जी इधर विदुर जी महाराज पहुंचे और विदुर जी महाराज के साथ उसका दर्शन हुआ। उसके बाद विदुर महाराज का दैन्य विदुर जी महाराज का सौशील्य गुण के द्वारा बहुत प्रसन्न हुए, इतना प्रसन्न हुआ तो उसके बाद विदुर जी महाराज उनको प्रश्न करना शुरू कर दिया। जब विदुर जी महाराज कह रहे हैं कि सुख के लिए सब संसार करते हैं, काम करते हैं सब, सुखाय कर्माणि करोति लोको न त्वयि सुखम व्यान्यद् उपरमम्बा विन्देत भूयस्तत् एव दुःखम् जदत्र युक्तम् भगवान् वदन्यो जानोस कृष्णाद् विमुखोश दैवात् अधर्मशीलस्य सुदुःखितस्य अनुग्रहायेह चरन्ति नूनम् भूतानि भाव्यानि जनार्दनस्य सुखाय कर्माणि करोति लोको। सारे तमाम दुनिया सुख प्राप्ति करने के लिए काम करता है, लेकिन फिर भी अगर तकदीर में लिखा हुआ है तो उसको दुखी मिलते रहते, सुखायो कर्माणि करोति लोको, लेकिन फिर भी उसको सुख के लिए ही कर्म करता है लेकिन उसको दुख मिलता है बदले में। भले सुख लाभ के लिए कर्म करे फिर भी उल्टा हो जाता है, दुख का निवृत्ति तो होता ही नहीं, उल्टा दुख बढ़ जाता है। अतः ये संसार में क्या कर्तव्य है, क्या करना चाहिए ये आप बताओ। इसके बाद बताए जनस्य कृष्णाद विमुखस्य दैवाद अधर्मशीलस्य सुदीक्षितस्य अनुग्रहायेह चरन्ति नूनम भूतानि भव्यानि जनार्दनस्य। बोले जनस्य कृष्णाद विमुखस्य दैवाद, समाज का आदमी ठाकुर जी को छोड़कर जो सबसे बड़ा अपना है, ठाकुर जी को छोड़कर दुनियादारी का चीजों में फंसे हुए हैं, ये जो सब समाज संसार का दुखी आदमी है, ये दुखी आदमियों को परित्राण करने के लिए बचाने के लिए संत महात्मा लोग विचरण करते हैं, अपना कोई इंटरेस्ट है नहीं, वो लोग विचरण करते इसलिए कि कहीं जाए वहाँ प्रसंग उत्थापन होए, बातचीत होए, कथा होए, उसका बाद अज्ञान उसका जब जीव का अज्ञान को हटाए। इससे बोले जनोस्व कृष्णाद विमुख सदैवा अधर्मशील सुदुख, वो तो अधर्म में लगे हुए हैं, भगवत धर्म तो आचरण नहीं कर रहे, अधर्मशीलस्य सुदुखितस्य, सुदुखितस्य मतलब सु लगा दिया, बहु काल से दुख भोग रहा है, लेकिन वो जो दुख भोग रहा है इसका भी उसको पता नहीं, मेटेरियल एंजॉयमेंट जो कर रहा है और उसका बाद दुख मिल रहा है, फिर भी उसको कुछ वो वही अच्छा लगता है, वो जो दुख प्राप्त होता है उसी को ही अच्छा मानता है, वो अच्छा है फिर भी अच्छा है, लेकिन फिर भी ठाकुर जी का भजन करने के लिए तैयार नहीं है।
करेगा नहीं। और अनुग्रहाय यह चरंति नूनम, निश्चित रूप से साधु संघ का जो साधु महात्माओं का जो विचरण है, अनुग्रहाय यह चरंति नूनम निश्चितमेव, निश्चित रूप से जानो ये अनुग्रहाय चरंति नूनम भूतानि भाव्यानि जनार्दनस। जनार्दन, जनार्दन मतलब जितना समाज संसार का आदमी है, जनगण है, इन लोगों का दुख हटाने के लिए जो नाम पकड़ा भगवान का नाम जनार्दन हुआ। और ये जनार्दन का जो अपना आदमी निजीजन है, अपना आदमी है, इनके काम ही है कि हर वक्त जहाँ दुखी आदमी हैं वहाँ जाके इन लोगों को परित्राण करे, रक्षा करे, उसको भजन में लगाए, ये नियम है। काल आपको पता है, काल मायावाद का विषय हम चर्चा किया था, मायावाद का विषय, और पहले भी हम कह चुके हैं कि जो ठाकुर जी का विषय में, गुरु वैष्णव के विषय में धाम नाम जिसका विश्वास नहीं है, और थोड़ा बहुत मायावाद विचार उसका हृदय को दूषण करके रखा है, दूषित करके रखा है। काल ये सब बताया था, जो सृष्टि का विषय में मायावादी लोग बोलते हैं ये कुछ नहीं, भगवान का स्वरूप कुछ नहीं, ये समाज का आदमी भी ऐसा सोचता है, ये भजन करके क्या होगा, बेकार भजन करके क्या होगा, कोई दरकार नहीं भजन करके, बेकार भगवान देखा जाता है ऐसा करके। काल मायावाद का विषय में बहुत चर्चा हुआ, लेकिन आज इस विषय में थोड़ा दो चार शब्द और कह दे कि अच्छा लगे। शंकराचार्य जी तत्त्वमसी अहम ब्रह्मोऽस्मि जीवैव ब्रह्म न परो इत्यादि जो श्लोक है उपनिषद का, इधर उधर से उठाकर ये सब उसको प्रादेशिक वाक्य बोला जाता है, प्रादेशिक वो वाक्यों को उठाकर पूरा प्रमाण करना चाहा कि सारे ब्रह्म हैं, वो सब कुछ नहीं है, जीव सब ब्रह्म हैं, कुछ नहीं, ऐसा प्रमाण करने का कोशिश किया। तत्त्वमसी, तत्त्वमसी का काल चर्चा नहीं हुआ, फिर आज कह दे, उसका बाद आनंद लगेगा ये सब विषय। तत्त्वमसी शंकर व्याख्या किए, तश बोले तत्त्वमसी तत् तम ओसी, तद वस्तु जो है वो ब्रह्म वस्तु आप ही है, अब किसका भजन करोगे। लेकिन गौड़ीय वैष्णव जो सिद्धांत है उसमें क्या है, तत्त्वमसी का मतलब तस्यो तम ओसी, तस्यो तम ओसी ठाकुर जी का हो आप, यही विचार है। तो ये समाज में तो किसी का अकेला है नहीं, इसलिए गुरु वैष्णव लोग विचरण करते हैं, करते करते ये लोगों को भजन कराने के लिए डोलते हैं, हरिकथा बोलते हैं। और मैत्रेय मुनि इधर सारे तत्वज्ञान जो है धीरे धीरे बोलते बोलते अभी जो है आपका सृष्टि का बारे में, सृष्टि का रहस्य जो है थोड़ा बहुत, जो सृष्टि कैसे हुआ इसका बारे में थोड़ा चर्चा हो। पहले अव्यक्त जो है वहां अव्यक्त से, अव्यक्त अवस्था से आपका पहले क्या हुआ, महत्तत्व का आविर्भाव हुआ, काल प्रेरित होकर अव्यक्त अवस्था से महत्तत्व का निर्माण हुआ। ये महत्तत्व क्या है बोले, ये महत्तत्व एक बड़ा पॉसिबिलिटी, संभावना, सृष्टि का संभावना, यही समझो महत्तत्व। काल परिक्त होकर अव्यक्त से महत्तत्व का सृष्टि हुआ, और महत्तत्व विकार प्राप्त हुआ। महत्तत्व जब विकार प्राप्त हुए उसमें से अहंकार तत्व का उत्पन्न हुआ। अहंकार तत्व का उत्पन्न हुआ, अहंकार तत्व में कार्यो कारण कर्ता
अर्थात अधिभूत आध्यात्म अधिदैव इत्यादि सब इसमें तो जोड़ा हुआ है। आज जब अहंकार तत्व का उत्पन्न हुआ, अहंकार तत्व का उत्पन्न हुआ तो उसमें गुणो वैषम्य हुआ। शास्त्रकारों ने बताया जब गुणो वैषम्य हो तभी सृष्टि का प्रारंभ होता है। जब सृष्टि मिट जाता है, कुछ नहीं रहता है, तब तीनों गुणों का बैलेंसिंग अवस्था, सतरजो तम गुण का बैलेंस अवस्था, तब कोई सृष्टि कुछ नहीं हो रहा है। जब ये तीनों गुणों में विक्षेप आ जाता है अर्थात सतरज तम गुण में अप डाउन हो जाता है, उस समय में सृष्टि का रचना शुरू होता है। यहां जो है आपका जो सतरज तम गुण का बैलेंसिंग अवस्था, इस समय में सृष्टि प्रपंच में कुछ नहीं रहता, कुछ नहीं रहता बिल्कुल। और वैकारिक व सात्विक अहंकार, इसमें से अहंकार, सात्विक अहंकार, राजसिक अहंकार, तामसिक अहंकार, इसमें से सात्विक अहंकार से मन उत्पन्न हुआ और जो आधिकारिक देवता है इनके उत्पन्न हुआ, इंद्रियो अधिष्ठाति देवतागण का उत्पत्ति हुआ सात्विक अहंकार। और राजसिक अहंकार जो है, राजस गुण राजसिक अहंकार से आपका इंद्रियो जो है तेजस व राजसिक अहंकार से ज्ञानेन्द्रियो कर्मेंद्रियो ये सब उत्पन्न हुए। राजसिक अहंकार विकार प्राप्त होकर ये सब उत्पन्न हुए, कर्मेंद्रियो जो है ज्ञानेन्द्रियो कर्मेंद्रियो इत्यादि। और तामसिक अहंकार विकार प्राप्त होने के बाद पंचभूत खिति अपो तेज मरुद भौम जो है ये सब आकाश आदि ये सब का उत्पन्न हुआ। आकाश का अंदर में शब्द गुण रहता है, आप जानते हो आकाश जो है आकाश का अंदर शब्द गुण रहता है शब्द। और उसके बाद ये आकाश से स्पर्श तन्मात्रों का उत्पत्ति होता है और स्पर्श तन्मात्र रूपांतर होकर मूलीभूत हो वायु सृष्टि करता है, वायु देवता वायु चारों ओर। पहले काल माया, माया काल भगवान जीव ये सब जो तत्व है सारे इस सृष्टि के विषय में बड़ा इंपॉर्टेंट तत्व है। काल कर्म माया जीव भगवान सब ये सब जो तत्व है ये जो इसका एक एक करके इसका व्याख्या होनी चाहिए। तो पहले जो है काल माया भगवान अंश के जो आकाश सृष्टि हुआ, पहले आकाश जो है आकाश में क्या होता है वहां जो है वहां स्पर्श का उत्पत्ति हो, स्पर्श रूपांतर होकर मूलभूत वायु उत्पन्न होता है। उसके बाद प्रबल बलान्वित वायु आकाश का साथ संयुक्त होकर विकप्त तो होने पर बाद रूप तेज को सृष्टि करता है। ये तेज जो है ये ज्योति तेज ये भुवन प्रकाशक है। काल इसके बाद ये जो तेज सृष्टि हुआ तेज जो है तेज वायु का साथ संयुक्त तो है होकर रसोतन मात्रा जल का उत्पत्ति होता है। जल में क्या होता है, जल में आगे का जो गुण है सब गुण जल में रहता है। जल में एक एक विचार करके देखो, एक एक जो तन एक एक जो विषय है उसमें पहले का जो विषय है सब इसमें छुपे रहता है, समझा मेरा बात। जैसे आकाश, आकाश का उत्पन्न हुआ, आकाश का बाद हुआ आपका वायु उत्पन्न हुआ, ये सब जो है एक एक करके एक दूसरे का साथ जुड़ा हुआ है। काल और भगवान ये ऐसे जो है सब आस्ते आस्ते पंचतन्मात्र का उत्पत्ति हुआ। उत्पत्ति होने के बाद ये प्रपंच का निर्माण हुआ, खिति अपो तेज मरुद बम होने के बाद सारे आधिकारिक देवता है, मन मन आ गया,
को पंच कर्मेंद्रिय आ गया, ज्ञानेन्द्रिय आ गया, सारे तन्मात्र आ गया, पंच तन्मात्र, तो फिर भी सृष्टि का काम आगे नहीं बढ़ रहा है, सृष्टि का काम आगे नहीं बढ़ रहा है। इस समय देवता लोग ने ठाकुर जी को प्रार्थना की, ठाकुर जी सृष्टि आगे नहीं बढ़ रहा है। ठाकुर जी बोले क्यों, हम तो सब दे दिया है, सब तो जो है सब हम दे दिया है, सृष्टि क्यों नहीं हो रहा है, सब करो। तो बोले नहीं नहीं हो नहीं रहा है सृष्टि। तो उसके बाद ठाकुर जी क्या किया, सारे विषय में अनुप्रविष्ट हो गया। होने के बाद ये जो विक्षिप्त जो वस्तु है सब स्कैटर्ड, ये जो सृष्टि का जो विषय तो है अलग अलग करके बैठा हुआ है, और सबको हार्मोनाइज किया, ये सब जो है वो सब हार्मोनाइज करके जब सेवा में लगाया तब सृष्टि धकाधक चलना शुरू कर दिया। हम इसका उदाहरण देते हैं जी, एक फैक्ट्री में सारे चीज है, रॉ मटेरियल से लेकर जितना सारे लेबर लोग है सब व्यवस्था है, मशीनरी है, सब कुछ है, सब कुछ, डायरेक्टर है, लेबर है, फोरमैन है, सब कुछ है, पूरा फैक्ट्री तैयार है। लेकिन फैक्ट्री में कोई फंक्शन नहीं हो रहा है, काम नहीं हो रहा है। बोले उसका क्या कारण है, हम बोले अगर देखो फैक्ट्री में सब कुछ है, अगर बिजली नहीं रहे तो सब बेकार है, बिजली नहीं रहे तो फैक्ट्री नहीं चलेगा, फैक्ट्री नहीं चलेगा तो लेबर क्या काम का, प्रोडक्शन नहीं होगा, माल मार्केट में नहीं जाएगा। ऐसे ही है समझो कि ये विद्युत जैसा, ठाकुर जी सारे ये जो विषय है सबको सृष्टि दे दिया, इसके बाद क्या किया, इस वस्तु के अंदर ठाकुर जी प्रविष्ट हो गए। होने का बाद तो फिर इस बार सारे सृष्टि होना शुरू कर दिया। इंद्रियगण का अधिष्ठाति देवता है वो लोग, ऐसा करते करते सृष्टि आगे बढ़ा, हम तो संक्षेप में ही बताया। इसके बाद विराट मूर्ति का सृष्टि हुआ, विराट मूर्ति का सृष्टि के बाद जो जीव लोग है सब जीव, जो पहले गीता में जो बताया हुआ है मायाधक्षेणा प्रकृति स्वयाते चराचरम, इस समय ये प्रकृति का गर्भ में ठाकुर जी जितना सारे पूर्व कल्प का जितना सारे जीव है सो अपना दृष्टि के द्वारा सब प्रकृति का गर्भ में संचालित कर दिया। इसके बाद क्या हुआ, सृष्टि प्रकृति देवी एक एक करके शरीर जो है हाँ सब निर्माण किया, ये प्रकृति में जितना सारे भूतोग्राम है चल रहा है ये सब ऐसा करके चल रहा है। इसके बाद पहले आता है कि मैत्री में बोलते हैं ब्रह्मा जी का सृष्टि का बारे में पहले बताए, ये तो हमने संक्षेप में बता दिया। पहले ये जो गर्भोदक साई विष्णु का जो नाभि है इसमें से एक ठो पद्म फूल का आविर्भाव हुआ, ये पद्म फूल का ऊपर ब्रह्मा पद्म जोनि अपने को आविष्कार किया, भगवान पद्मनाभि से ब्रह्मा का सृष्टि किया। और ब्रह्मा बाद में हम चतुश्लोकी भागवत में बहुत व्याख्या किया जे ब्रह्मा जी का भगवत स्तुति, ब्रह्मा जी सृष्टि कर्म करने के लिए सृष्टि कर्म आगे बढ़ाने के लिए ठाकुर जी का स्तप किए, सृष्टि कर्म बढ़ाने के लिए स्तप किए, ब्रह्मा जी पद्म फूल में खुद को आविष्कार किया, हम कहाँ से आया कैसे आया। उसके बाद जब सारे चतुस्रों की भागवत हम बताया धीरे धीरे, तो ठाकुर जी को स्तप किया सुंदर, ठाकुर जी का जो धाम है, ठाकुर जी का जो परिकर है कैसा कैसा, इस विषय में सारे वर्णन है। लोक सृष्टि कामना ब्रह्मा जब स्तप किए, ठाकुर जी कृपा किए, उसके बाद सृष्टि का क्रियाक्रम आगे चल रहा है, आगे जो सृष्टि अभी चल रहा है ठाकुर जी का कृपा से ब्रह्मा सृष्टि को आगे बढ़ाया। और ये जो है इधर
स्तुति में बताया, ब्रह्मा कह रहे हैं कि अहम मा पितार्थ करना निशिनी सयाना नाना मनोरथ धिया खण भग्न निद्रा दैव आहतार्थ रचना ऋषयोपि देवा जुष्माद प्रसंग विमुखा यह संसरंती, जुष्माद प्रसंग विमुखा यह संसरंती। भले ये जो संसार का आदमी है, अहन ना प्रतात्त करना निशि निश्चयाना नाना मनोरथ धिया क्षण भग्न निद्रा, तरह तरह का वांछा है, कामना वासना है, इसको लेकर दिन रात जितना सारे जीव है अपना प्रचेष्ट प्रयास प्रयास प्रचेष्टा में लगे हुए हैं निशि दिन। और संसार तो ये जो संसार है इसको चैतन्य महाप्रभु बताए दबाग्नि जल रहा है। संसार में अपना अपना इंटरेस्ट लेकर जो चल रहा है तो हर बगल लड़ाई है ही है, वो लड़ाई चल रहा है। उस समय रात का टाइम में जब सोए सोते सोते चौंक के नींद खुल जाता है और जाने के बाद सोचता है हमारा इतना कर्जा है, हमारा इतना सारे कर्जा है, हमको चुकाना पड़ेगा, तरह तरह का चिंता आ जाता है और दूसरा चिंता आ जाता है बहुत सारे ऐसा करके। और प्लान भी बनाता है जो ऐसा करे कि कल ऐसा करे, 6 महीना बाद ये करे, तरह तरह की योजना बनाते हैं। लेकिन ऊपर से जो दैव विषय है उसका जो अपना क्रिया किए हुए कर्म फल है उसके द्वारा देवता लोग उसको देवता लोग का ग्रांट हो तब होगा। तो दैव ऐसा हो जाता है कभी वो जो प्लान किया, इतना कष्ट किया, इतना एनर्जी दिया, उसके बाद वो सारे खत्म हो गया, बेकार हो गया, नष्ट हो गया, उसके बाद फिर रोना शुरू कर दिया। इसका बारे में पंचम स्कंध में सुंदर बताया, एक जीव संसार बंधन में रहता है, उसका संसार में गोती कैसा है, भयंकर है, इसका बारे में। इसके बाद ब्रह्मा जी कह रहे हैं त्वं भक्ति योग परिभावित हि सरोज आससे सुतक्षित पथन अनुनाथ पुंसम यद यद धिया तो उरुगाय विभावयति तत्तद् प्रभु प्रणय से सदनुग्रहाय। इस विषय में हम पहला दिन चर्चा किया था जब शुरू किया था। त्वं भक्ति योग परिभावित हित सरोज आससे सुतक्षित पथन अनुनाथ पुंसम यद यद धिया तो उरुगाय विभावयति तत्तद् वपु प्रणयसे सदनुग्रहाय। ठाकुर जी को बोल रहे हैं, ठाकुर जी त्वं भक्ति योग परिभावित हि सरोज आससे, भक्ति विभावित हृदय लेकर जो भक्तो आपको जैसा चिंतन करता है आप सुतिक्षित पथो, इस विषय को ध्यान देना, सुतिक्षित पथो ननुनाथ पुंसम, श्रुतो किया पहले जो श्रवण किया गुरुमुख से, गुरु वैष्णव से मुख से मुखारविंद से पहले श्रवण किया, उसके बाद इच्छन किया, श्रवण किया, श्रवण क्रिया जो है वो पहले है, श्रवण किया का बाद उसके बाद इच्छन किया, दर्शन क्रिया बाद में होता है। इससे बोले जो त्वाम भक्ति योग परिभावित हित सरोज आस से सुतक्षित पथन अनुनाथ पहुंचा, श्रुतो क्रिया पहले शुरू हो उसके बाद इच्छन दर्शन क्रिया बाद। प्राकृत जगत में दर्शन क्रिया पहले होता है उसके बाद विचार करते, लेकिन अप्राकृत जगत में क्या होता है उल्टा, अर्थात यही ठीक, अर्थात श्रुतो किया पहले श्रवण करे, श्रोवण के द्वारा हृदय साफा हो जाए उसमें दर्शन मिलेगा, ऐसा है सुतिक्षित पथो, पहले श्रवण उसके बाद इक्षण किया दर्शन किया। और जत जत धिया तो उरुगाय विभावयती, जो जो भाव लेके जैसा स्वरूप का आपका भजन करता है उसी मुताबिक आपका बपू का दर्शन भी होता है। जत जत धिया तो उरुगाय विभावयती तत्त बपू प्रणय से सदनो गृहाय, ये साधु संतों को कृपा करने के लिए आप उसी रूप को सामने रख दो। जो राम जी का भजन करे तो राम रस में भरपूर है, ऐसा करते करते उसका
राम जी का दर्शन हो जाता। हमारा कुलोद्दीद है नवद्वीप में, एक ब्राह्मण है बराहदेव का, बड़ा भारी भजन करते थे, करते करते क्या हुआ, बराहो जी सामने प्रकट हो गया सुंदर रूप, उसका दर्शन किया। हमारा परिक्रमा प्रसंग में है, परिक्रमा खंड में, तो ठाकुर जी जो जो स्वरूप का आप भजन करोगे ऐसा ही आपका दर्शन होते रहेगा। ब्रह्मा जी आशीर्वाद। ऐसा करते करते मैत्री जी अभी कह रहे हैं प्रकृति का जो दसों विध सृष्टि, इसका बारे में कैसा कैसा पशु आदि वृक्ष आदि सारे जो जलचर सलचर ये सब सृष्टि का बारे में बहुत सारे वर्णन किया। दस विधा सृष्टि जो है कैसे कैसे, पहले चार पाया पाया वाला प्राणी कैसे सृष्टि हुआ इत्यादि सारे धीरे धीरे इसका बारे में वर्णन किया। इसका बाद काल, ये काल का जो डिवीजन है, ये जो समय है काल, इसका इसका वर्षो मास, इसका सब विभाजन है, काल कल्प आदि मन्वंतर, इसका बारे में सारे वर्णन की। इसके बाद मन्वंतर आदि का वर्णन और ब्रह्म सृष्टि वर्णन ये भी जो है इसमें सारे प्राणियों का मुनि ऋषि का सृष्टि कैसे हुआ, मरीचि अत्रि अंगिरा पुलस्थ पुलह क्रोतु भृगु वशिष्ठ दक्ष नारद, इस दस जन्म हुआ और मुनि ऋषियों का ऐसा जन्म हुआ। उसका बाद धीरे धीरे कैसे आयुर्वेद आदि धनुर्वेद गंधर्व वेद इत्यादि संगीत स्थापत्य सारे ये सब धीरे धीरे सृष्टि हुआ जो भी है। अभी ये सृष्टि नहीं बढ़ रहा है, सृष्टि नहीं बढ़ रहा है, इसका बारे में ब्रह्मा जी कैसे सृष्टि बढ़ाया जाए इसका बारे में चर्चा होगा। अभी इधर जो है बराह रूपी भगवान जब पानी से ये पृथ्वी देवी को उद्धार की, इस प्रसंग आए, इस प्रसंग में आता है जय स्वयंभुव मनु, ब्रह्मा का जो पुत्र है स्वयंभुव मनु, मनु और शतरूपा, मनु को ब्रह्मा जी ने आदेश किए कि आप सृष्टि को बढ़ाओ। मनु कह रहे कि हम सृष्टि कैसे करें, पृथ्वी तो जलमग्न है। इसके बाद पृथ्वी को उद्धार करने के लिए ये जो बराह रूपी भगवान जो है, बराह रूपी भगवान धीरे धीरे पृथ्वी को धीरे धीरे पानी के अंदर से उठाया बराह जी। ब्रह्मा जब चिंतन किए उसका बाद ये बराह जी का जो अवतार है ये दो बार हुआ, लेकिन यह भागवत में इधर चर्चा करते करते एक ही बार में वर्णन समाप्त कर दिया। एक है सिद्ध बराह कल्पों में, एक बार है बराह जी पृथ्वी को उद्धार करके छोड़ दिया। दूसरे बार जो जो हिरण्याक्ष है, हिरण्याक्ष का वध का जो प्रसंग है वो अलग सा प्रसंग है, लेकिन एक ही साथ वर्णन कर दिया और टीकाकारों ने अलग अलग करके विचार करके बताया। जो भी है मनु अभी ये जो है उद्धार किया पृथ्वी को, उद्धार करके हिरण्य एक्चुअली जब हम ये प्रसंग पृथ्वी का उद्धार का प्रसंग, तब तो हिरण्याक्ष का आविर्भाव नहीं हुआ। पृथ्वी का जो उद्धार हुआ उद्धार का टाइम में जो हिरण्याक्ष का वध हो गया ये तो लिख दिया, लेकिन ये तो संभव नहीं क्योंकि पृथ्वी उद्धार हुआ उसका बाद वंश आगे चला, उसका बाद हिरण्याक्ष का हिरण्यकशिपु का आविर्भाव हुआ उसका बाद उसका, ये तो अलग सा प्रसंग है। लेकिन एक बार वर्ण उत्तानपाद वंशधर में प्रतिशत प्रतिशत दक्ष हुआ और दक्ष का करना दीति, हिरण्याक्ष दीति का पुत्र है हिरण्याक्ष, तो ये कल्परम है मनु का कल्पा कल्प जब प्रारंभ हुआ था तब तो मनु का कोई पुत्र नहीं था, वंश आगे नहीं बढ़ा था, तो कैसा हरण हिरण्याक्ष का आविर्भाव कैसे होगा, तो एक साथ युद्ध लगे एक जगह लड़ाई हो संभव नहीं। अतएव मैत्री मुनि आवेश में आकर मैत्री मुनि एक कल्पों कथा बोलते बोलते दूसरे कल्पों का भी बात एक साथ बोल दिया,
ये है चाक्षुष मन्वंतर में एक बार बराहदेव जो ब्रह्मो कल्प जो है स्वयंभव मन्वंतर में एक बार और चाक्षुष मन्वंतर में दोबारा ये पृथ्वी का उद्धार और लड़ाई ये सब जो है ऐसा हुआ था जो भी है, लेकिन एक साथ वर्णन कर दिया क्या किया जाए। वर्णन ऐसा है ये पानी का अंदर से जब बराहो जी पृथ्वी को ऐसा धीरे धीरे उद्धार कर रहा है तो हिरण्याक्ष जो है वो बोल रहे वो बराहो जी को बाधा दिया, ए कहां ले जा रहे हो, ऐसा करके बाधा दिया, गाली दिया। बड़ा आश्चर्य प्रसंग आता है, एक बार परमेष्ठी अर्थात ब्रह्मा जी ये बैठ के चर्चा कर रहा था कैसे क्या होगा, उसमें धीरे से नासा विवर से एक छोटा सा मसा जैसा है ना, मशक जैसा निकाला। उसके बाद देखते देखते आंखों का सामने धीरे धीरे बड़ा होना शुरू कर दिया, पत्थर का मापी, पहाड़ का मापी। फिर वो बड़ा हो जी धीरे धीरे पानी का वो अंदर में छलंग लगाए, पानी का अंदर में छलंग देखते देखते सामने धीरे धीरे ये छोटा पहाड़ का मापी, उसका बाद और बड़ा हो गया, उसका बाद पानी का अंदर में एकदम छलंग लगाया। उसके बाद धीरे धीरे बड़ा हो जी पानी का अंदर में जाके धीरे धीरे पृथ्वी जी को ढूंढते ढूंढते रसातल में जाके उसको पकड़ के धीरे धीरे जो आपका वो हमारा जयदेव जी, जयदेव को भी वर्णन किया ना, बसती दसन शिखरे धरनी तब लगना इत्यादि सब है। ऐसा करते करते वो पानी का अंदर गया, वो उधर जाके फिर पृथ्वी को उद्धार करने के लिए प्रयास प्रचेष्टा किया। तो उसमें जो है हिरण्याक्ष जो है हिरण्याक्ष का साथ उसका बड़ा भारी लड़ाई हुआ, बड़ा भयंकर लड़ाई। लड़ाई होते होते क्या किया, वो तो गाली देते रहे और दोनों में लड़ाई हुआ। लड़ाई होते होते ठाकुर जी उसका उद्धार कर दिया। इस बहुत सारे बड़ा प्रसंग है सामने आ रहा है आपका अन्नकूट उत्सव, हमारा चिंता हो रहा है, बहुत सारे प्रसंग बाकी है। जो भी इधर जो है आपका हिरण्याक्ष का वध कर दिया, और ये जो हिरण्याक्ष है हिरण्याकशिपु, अभी प्रश्न हुआ कि इसका जन्म कैसे हुआ। विदुर कह रहे हैं कि इसका जन्म कैसे, जो हिरण्याक्ष का साथ बराहदेव का जो लड़ाई है ये तो प्रसंग आपने बोल दिया, लेकिन ये जो असुर है इसका जन्म कैसे हुआ, इस बारे में वर्णना इधर आ रहा है। ये प्रसंग विदुर जी को मैत्री मुनि कह रहे हैं कि देखो श्री सुखवास हो, पहले सुखदेव गोसाई परीक्षित महाराज को कह रहे, इसी बीच में आया विदुर जी का साथ मैत्री का संवाद, तो कंफ्यूजन नहीं हो जाना। निशम्म कौसारोविण उपवर्णितम हरे कथाम सुकरमात्म कारण सुकरमात्मन पुनः सप्रपच्छ तम मुद्दतांजलिर न चाति तिप्तो विदुरो धितव्यत। विदुर का संतुष्ट नहीं भाई, और भी प्रश्न किए कि कैसे हुआ। उसके बाद मैत्री मुनि बोलते चले कि एक दफे जो है आपका जो करदम ये जो ऋषि है आपका दीति जो है एक दफे बहुत उसका जो कष्ट हुआ, बहुत दिन से स्वामी जो है स्वामी देवता तपस्या कर रहे हैं। उत्तान पात का पुत्र ध्रुवो ध्रुवो बालक ऋषि नारद कथित तो हरि कथा द्वारा बहुत सारे प्रसंग है सब धीरे धीरे वर्णन हुआ। ध्रुव महाराज जी का प्रश्न आएगा। दक्ष कन्या दीति उसका कोई संतान नहीं था, बड़ा दुखी, और मरीचि तनाय जो कश्यप है कश्यप ऋषि का सामने जाके बड़ा विनती किया। कश्यप ऋषि बोले अभी तो मैं भजन में हूं,
संध्या का टाइम है, अभी थोड़ा सब्र करो, उसके बाद आपका आशा इच्छा हम पूर्ति करें। ऐसा करते करते, लेकिन ये जो दीति मैया है, दीति मैया को सहा नहीं गया। इस समय क्या हुआ, कश्यप ऋषि सोचे, कश्यप ये जो कश्यप ऋषि सोचे कि ये ठाकुर जी का ही कोई विचार होगा, नहीं तो बार बार मैं विनती कर रहा हूं आप रुको थोड़ा, अभी हमारा हम अभी पूजा पाठ में हैं, अभी यज्ञों का अंतिम आहुति दे रहा हूं, सांझ संध्या का टाइम है, अभी तो ये उचित नहीं है। लेकिन सुने नहीं, ठाकुर जी का होनहार का खेल है, जोर जबरदस्ती पकड़ लिया। तो कश्यप ऋषि ने सोचे ठाकुर जी का ही कोई खेल होगा, ठाकुर जी का ही कोई खेल होगा। ऐसा करके क्या हुआ, ऐसा करके क्या हुआ, ऐसा करके जब मिलन हुआ, मिलन के बाद दीति जो है बड़ा दुखी बन गई, बोले मुख नीचू करके, बड़ा अपराध हुआ, संध्या का टाइम है, इस टाइम में तो उचित नहीं था, लेकिन हो गया, क्या करे। लेकिन कश्यप ऋषि बोले आपका ये फल अच्छा नहीं होगा, ये जो हुआ है इसमें बड़ा भारी अमंगल होगा, अमंगल होगा। तो दीति रोना शुरू कर दिया, बोले वो तो कुछ उपाय नहीं, ये संध्याकालीन टाइम था, समय था, बड़ा अमंगल सूचक, शंकर भगवान भूत प्रेतों का साथ विचरण करते रहते हैं, इस समय ये मिलन उचित नहीं था, लेकिन आपका जोर जबरदस्ती आपने किए, हो गया। लेकिन ये जो गर्व आपका संचारित हो, ये गर्व ठीक नहीं होगा, बड़ा असुर होगा, गर्व भयानक भयंकर। और दीति तो रोना शुरू कर दी, उसका बोले ठीक है अगर ऐसा हो तो कम से कम आप आशीर्वाद दो, जैसे ये ब्रह्मो साप से ना मरे, कम से कम ब्रह्मो साप से ये ना मरे। तो कश्यप ऋषि बोला नहीं, ये ब्रह्मो साप से तो मरेगा नहीं, ये मरेगा स्वयं ठाकुर जी का हाथ में ही। बराहो जी एक को, बराहो जी एक को बराहो देव जी ने उद्धार कर दिया, एक को नृसिंह भगवान ने उद्धार कर दिया। ऐसा करते करते अभी प्रश्न आया, ये जो दो गर्भ संचारित हुआ ये कौन है, क्योंकि देवता लोग ब्रह्मा का पास जाके प्रार्थना किया, ये जो दीति का गर्भ बढ़ रहा है, ये सारे जगत अंधेरा छाया, इतना तेज है, अब आप बताओ क्या है, सूरज चंद्र जो चंद्रमा का जो तेज है सूरज का, फीका पड़ जा रहा है, क्या किया जाए। ब्रह्मा जी ने बोले कोई चिंता नहीं, आप जाओ, ये है दीति का गर्व है, हिरण्य ये जो दीति का गर्व है, दीति का गर्व है, इसलिए इसका तेज ऐसा है कि इसलिए ऐसा हो रहा है। अब ये हिरण्यको और हिरण्यकशिपु का जो आविर्भाव है, हिरण्यको और हिरण्यकशिपु का जो आविर्भाव है, इसका भी बड़ा भारी प्रसंग आता है, वो कैसे हुआ। भले दो विष्णु पार्षद है, विष्णु का पार्षद है, दो विष्णु पार्षद जय विजय वैकुंठ में, वैकुंठ से ठाकुर जी का इच्छा से ये जय विजय ये जगत ये इस जगत में आए। वैकुंठ जगत से किसी का पतन होता है, वैकुंठ जगत से किसी का पतन होता है, गीता में लिखा हुआ है जदगत्या न निवर्तन्ते तद्ध्याम परम। यहां जो वैकुंठ जगत से, वैकुंठ जगत में जो दो विष्णु पार्षद है, इसको सांप लगाकर ठाकुर जी खुद इच्छा करके ये धरती पर भेजे, जाकि ठाकुर जी इसका साथ लीला रचाए, इच्छा करके। इसका भी प्रसंग है, जो चतुस्सन है, चतुस्सन ब्रह्म ज्ञान, वो ब्रह्म का आनंद में रहता है, वो कदापि ब्रह्मा जी से ठाकुर जी का प्रसंग सुनने के बाद ठाकुर जी का साथ, ठाकुर जी को दर्शन के लिए बड़ा इच्छा हुआ है। ब्रह्मा जी से पहले सुना था आत्माराम ओपी, ये श्लोक का अनुसार जो विषय है यही है। ये चतुस्सन क्या की, धीरे धीरे वैकुंठ लोक को गए,
वैकुंठ लोक में जाने का बाद वैकुंठ लोक में कई गेट है, एक एक करके पार करते करते गया और उसके बाद जय विजय है वहां जो है उसको रोका, कहां जा रहे, क्योंकि ये जो चार भाई है सबसे पुराना है, ये चार भाई जो है ब्रह्मा का आदि, लेकिन ये जो चार भाई है, चार भाई 5 साल का मापिक रह गया बच्चा नंगा। ब्रह्मा जी चतुस्सन को जब सृष्टि किए थे, ब्रह्मा जी आदेश किए सृष्टि करो बढ़ाओ संसार करो, जो चतुस्सन ने बताया हम संसार नहीं करेंगे, ब्रह्मा जी ने आदेश किया संसार करो और चतुस्सन ने बोले नो महाराज हम संसार नहीं करेंगे। जब नहीं माना बात को तो ब्रह्मा जी का गुस्सा हुआ, जा बच्चा होके रह जा, बड़ा नहीं होगा कभी। तो वो 4-5 साल का बच्चा होके अभी भी वो चतुस्सन चार नंगा है, कोई कपड़ा पपड़ा नहीं है, बस ऐसे बोले ठीक है कोई बात नहीं लेकिन संसार नहीं करेंगे। तो ऐसा करके जब गया तो उस समय क्या हुआ, वैकुंठ का सौंदर्य जो देखते रहे और उसके बाद जय विजय जी उसको रोका, जय विजय जी रोका है कहाँ जा रहे हो, रुको अंदर नहीं जाने देंगे। बोले क्यों अंदर जाने नहीं दोगे ठाकुर, बोले नहीं जाने देंगे, कोई तो बेत उठाया, जब बेत उठाया तो ये तो चतुस्सन है, ऑर्डिनरी क्यों नहीं है, मुनि ऋषियों में सबसे आदि है, बड़ा पावरफुल। उन्होंने आशिक उन्होंने साफ दे दिया कि ये कौन सी जगह है, ये तो वैकुंठ है, वैकुंठ लोक है, वैकुंठों में रहते हुए आप लोगों का अंदर में ये भेदभाव कैसे आ गया, वैकुंठों में तो ये तो वैकुंठ लोक है, अब वैकुंठ का अंदर आपका कुंठा हेजिटेशन कैसे आ गया, ये तो वैकुंठ लोक है, वैकुंठ का अंदर रहते हुए आपको कैसे ये संकोच आ गया कि बाहर से कुछ फालतू आदमी आया, क्या है कैसे भावना हुआ, तो आप वैकुंठ में रहने का लायक नहीं हो बोल के साफ दे दिया जाओ। जब साफ दे दिया उसके बाद आपस में चर्चा हुआ था, बहुत सारे प्रार्थना किया, जब साफ दे दिया तो चरण में गिरा हमको क्षमा करो। तो ऋषियों ने बोला नारायण तब तक वैकुंठ जगत का जो नारायण है, नारायण ये सब जो ये लोगों के साथ चर्चा हो रहा था और तत्चतुष्ण का साथ जय विजय का, इतने में ठाकुर जी लोखी जी को लेकर द्वार पर आ गया, द्वार जो है गेट उस पर आ गया। उस समय ठाकुर जी का चरण का जो तुलसी है और जो केसर है इसका जो वायु है अंदर में गया, ठाकुर जी आ गया, ठाकुर जी के चरण के जो निवेदित तुलसी है केसर है चंदन है इसका जो महक सुगंध है ये कानों में और नाकों में गया, नासा विवरेण जाने का साथ साथ बड़ा विवल हो गया सुंदर। और जब ठाकुर जी सामने आए तो ठाकुर जी के सामने क्षमा मांगा, हमने आपका जो पार्षद है पार्षद जो है इस दोनों को अभिशाप दे दिया, हमको क्षमा हम लोग क्षमा करना अभिशाप दे दिया। ठाकुर जी ने बोले आप अभिशाप नहीं दियो, ये मेरा इच्छा से ही हुआ, मेरा ही ऐसा कुछ इच्छा था, इसलिए आपको तो आप तो उपलक्ष्य हैं, आपको उपलक्ष्य करके हमने ये श्राप दिलवाया, जैसे कि जगत में दोनों को भेजे वहां जाके धरती पर जाके हम इन लोगों का सब लीला करें, इसके बाद फिर ये पार्षद जो है हमारे पास आ जाएगा। जब ये जय विजय रोना शुरू कर दिया, भले अनुकूल भाव से विचार करो रहोगे धरती पे तो 7 जन्म लग जाएगा और प्रतिकूल भाव से आओगे तो जल्दी जल्दी सिद्धि हो जाए, तो बोले हम जल्दी आना चाहते हैं धरती पे नहीं रहेंगे, तो ठीक है। इसी कारण वो रावण और कुंभकर्ण जो है हिरण्यकशिपु जो है वही रावण कुंभकर्ण शिशुपाल दंतवर को ये सब विचार है सारे हैं, और गौरी विचार में हमारा काजी जो है उसको भी फाइनल कृपा किया महाप्रभु ने, इसका प्रसंग आता है गुप्त प्रसंग नहीं तो एक मुसलमान है मुस्लिम उसको चैतन्य महाप्रभु ऐसा करके स्पर्श करके प्रेम का द्वारा बात किया मामा
ये बोल रहा है काजी, बोल रहा हम तो मामा लगता है आपका हमको, कि हम हमारा ऊपर मामा तो भागीना, भागीना जो है तो दोष नहीं लेता है, ऐसा करके आपस में बात किया। महाप्रभु काजी का शरीर स्पर्श करके बात किया, इतना सौभाग्य है। जब ही गौड़िया वाले जो है गौड़िया मठ का सारे काजी का जो समाधि है वहां जाके दंडवत प्रणाम परिक्रमा इसलिए करते, काजी बड़ा सौभाग्यवान है। यहां जो है ये प्रसंग है, हम संक्षेप में ही बताया। और ये जो हमने बताया कि ठाकुर जी का चरण का जो तुलसी दल और चंदन केसर, इसका इसका बारे में श्लोक सुंदर है। तस्यारविंद नयन सपदारविंद किंजल कमिश्र तुलसी मकरंद वायु अंतर्गत सब विवरेण चकार तेसान संक्षोभ अक्षरज सामो पिचित्त तोन। अक्षरज सामोपी, अक्षर मतलब कौन अक्षर, अक्षर जुषामोपी, ये जो चतुष्सन है, अब एक अक्षर ब्रह्म का आराधना करते थे। अक्षर जुषामोपी मतलब ओम जो शब्द है, ओम इति एकाक्षरम ब्रह्म, ये जो शब्द है ब्रह्म, इसका ही आराधना करते थे पहले। लेकिन तस्सा अरविंद नयनस्य, अरविंद नयन वाले जो भगवान अरविंद नयनस्व पदारविंदो किंजल को मिश्रो तुलसी मकरंद वायु, तुलसी चंदन केसर चंदन इस सब का जो महक गंध है सौगंध, अंतर्गत सब सविवरेण चकारते सम संक्षोभम अक्षर जुषाम चित्तोन। यद्यपि ये एकाक्षर ब्रह्म मंत्र का ही आराधना करते थे, लेकिन जब तुलसी मकरंद ठाकुर जी के चरण का जो प्रसादी उसका जो गंध नाक में नासा विवर में आया तो उसका हृदय का विक्षेप हुआ, बेहृदय में आंदोलन शुरू हुआ। ठाकुर जी का साक्षात चरण में अर्पित जो है नासा में आया तो भक्ति के द्वारा उसका ऐसा हुआ, भक्त मैंने उसका अंदर में खूब उपस्थित हुआ। इसका मतलब भक्ति का जो भाव है आना शुरू कर दिया, ठाकुर जी का ऐसा ही है। और ये मुनि का साप के द्वारा ये दोनों धरती पर गिरे, फिर चरण में गिरकर प्रार्थना किए, चतुष्सन का साथ बातचीत हुआ। उसका बाद ये जो आया पहला जन्म हुआ ये धरती पे, इसका नाम है हिरण्यकशिपु और हिरण्याक्ष, ऐसा जन्म हुआ। इसके बारे में कई बहुत सारे प्रसंग आप सुने होंगे, पहले पहले जो जितना सारे कथा हुआ उसमें हम डिटेल्स बात किए, लेकिन जब भी करे अंतिम अंशों ड्यू रह जाता, अंतिम चर्चा नहीं हो पाता। तो इधर जो है इधर हिरण्याक्ष अभी इतना डिस्टर्बेंस है, ऑल फुलिश सब लोग, ये सब कथा सुनने के लिए आता है, डिस्टर्ब करता है। और हिरण्यकशिपु हिरण्याक्ष का जन्म हुआ, वो जन्म कैसे, भले पहले पहले जो है पहले जन्म हुआ किसका, हिरण्याक्ष का, उसका बाद जन्म हुआ हिरण्यकशिपु का, मैया का कुख से निकले जमस जमस शिशु है ना, पहले जन्म हुआ किसका, हिरण्याक्ष का, उसके बाद जन्म हुआ हिरण्यकशिपु। लेकिन बड़ा है कौन, जन्म जिसका हुआ वही तो बड़ा होगा, बोला ना शास्त्र विचार बोले बड़ा वो नहीं, जब भी जन्म हुआ पहले हिरण्यक का, लेकिन हिरण्यक कनिष्ठ है छोटे, आ हिरण्यकशिपु बड़ा। वो कैसे, जो निषेक का टाइम में जब बच्चा शुरू होना, बच्चा का जो उद्भव है उसमें पहले उसका हुआ था, तो पहले जिसका हुआ पीछे रह गया, और बाद में जो फर्टिलाइजेशन हुआ निषेक जो है बाद में हुआ वो पीछे रह गया, तो आगे पीछे निकालने का टाइम में पहले निकाले, लेकिन वो जन्म जो है पहले जन्म हुआ था किसका, हिरण्यकशिपु का, इससे हिरण्यकशिपु बढ़ा। आज जन्म का टाइम में क्या हुआ था, बड़े भूचाल हुआ जन्म का टाइम में, भूचाल बड़ा भूकंप जैसा अमंगल, उस टाइम में देवता लोग जाके प्रार्थना किया तो बताया, ठीक है। इसके बाद ये प्रसंगों में पहले ही बता दिया, तो हिरण्याक्ष जो है
उसका हाथ में खुजली हो रहा है, इतना पावर है, शक्ति है, ऐसा घूमते घूमते पहाड़ों का ऊपर एक मुक्का लगा दे पहाड़ चूचूर हो जाए, इतना पावर है, इतना शक्ति है, घूमते घूमते इधर उधर जाए एक पहाड़ को ऐसा लगाए धूम चूरचूर हो गया, इधर गया ये लगाए और चारों जाके हमारा साथ लड़ोगे, ऐसा करता है, हमारा वो खुजली हो रहा है हाथ में, हमारा साथ लड़ोगे कोई है? वरुण देवता का पास जाके बोले वरुण तुम तो बहुत पावरफुल हो, ऐसा यज्ञ किया बहुत सा हमारा साथ। वरुण देवता सोचा जी इसका साथ लड़ाई करके क्या फायदा है, इसका तो तकदीर में लिखा हुआ है ठाकुर जी हम खमा खमा लड़ाई कर, देखो आपका जो यज्ञ है लड़ाई करने का वो आपको मिलेगा, रसातल में जाओ उधर आपका साथ मिलेगा, उधर इधर नहीं मिलेगा, इधर क्या करोगे आप, आपको आप उसका साथ लड़ाई करके और सोते रहोगे गिर जाओगे ऐसा आपका अवस्था होगा, बोल के वरुण जी उसका हाथ छुड़ाया और भेज दिए। इसके बाद जो है ये जो हिरण्याक्ष का साथ बराहदेव का जो युद्ध है ये प्रसंग आ गया। इसके बाद जो है मनु और शतरूप का जो प्रसंग आता है वो मनु और शतरूप का प्रसंग है। मनु ठाकुर जी को बोले हम सृष्टि कैसे करें, उसका बात तो आप देख रहे हो पृथ्वी का उद्धार हुआ। मनु शतरूप होचे पहला नर नारी, पहला नर नारी है मनु शतरूप। मनु शतरूप गोमती गंगा जो है जिसको आप नैमिष क्षेत्रों में गोमती गंगा है, गोमती गंगा का किनारे वो जो वृक्ष एक बट वृक्ष है वो जो है उसका नीचे बैठकर भजन किए थे अक्षय वट, वो अक्षय वट उसी जगह बैठ के भजन किए, उसका बाद सृष्टि का क्रियाक्रम किए। तो ब्रह्मा जी ने आदेश किए काम करो सृष्टि करो, ऐसा करके ये सब प्रसंग आया, उसका बाद सृष्टि आगे बढ़ा। उसका बाद अभी जो है इधर आ रहा है जो है कर्दम ऋषि का साथ देवाहुति का विवाह का प्रसंग। कर्दम ऋषि जो है, कर्दम ऋषि ये कर्दम ऋषि जो है तपस्या कर रहे अपना भजन कुटी में बैठकर, और ठाकुर जी का इच्छा है आप संसार करो कर्दम ऋषि प्रजापति कर्दम। तो इस समय कर्दम ऋषि ने तपस्या शुरू की, तपस्या शुरू की कि कैसे हम संसार करें, संसार करने के लिए तपस्या शुरू की। और उसके बाद आदेश हुआ कि तुम्हारा पास ये जो मनुपुत्री, मनुपुत्री आते रहे, मनुपुत्री मनु का मनु और शतरूपा का ये जो लड़का लड़की जो है प्रसंग ये सब आए। एक तो है एक कौन है, एक आपका है प्रियव्रतो उत्तानपाद, ये सब आए प्रियव्रतो उत्तानपाद। प्रियव्रतो का प्रसंग उस पंचम स्कंद में आएगा, पंचम स्कंद में जब भी प्रियव्रति बड़ा है प्रियव्रतो को ही संसार संभालना है, लेकिन प्रियव्रतो भक्ति करने के लिए चला गया, पिताजी को बोलो हम संसार नहीं करेंगे, इसलिए उत्तानपाद का प्रसंग पहले आएगा। इधर ऐसे प्रियव्रत बड़ा है लेकिन प्रियव्रत तो संसार करने के लिए तैयार नहीं है, वो बोले हम भजन करेंगे। उत्तान गातपात का प्रसंग आए, पहले आए। सप्तद्वीप का अधिपति भय, सप्तद्वीप का रक्षा की पृथ्वी को। ऐसे करते करते मनुपुत्री, मनु का जो पुत्री है उसमें एक का नाम है देवाहुति, आकुति पुरुषुति देवाहुति ये सब है इसमें। ये इधर जो प्रसंग आ रहा है इधर इसका नाम है देवाहुति, जो कि आगे चलकर आप देखोगे ये देवाहुति क्या है, कर्दम ऋषि का माताजी, कर्दम ऋषि जो कर्दम कर्दम बोले वो क्या है कपिल मुनि, कपिल जी का आज थोड़ा उदास लग रहा है क्यों पता नहीं, कंसंट्रेशन नहीं आ रहा है आज। वो जो कर्दम ऋषि है ये जो आपका ये जो कर्दम ऋषि का जो विवाह प्रसंग है, प्रसंग में आता है मनुपुत्री जो है, मनुपुत्री देवाहुति का साथ उसका शादी हो, इस प्रसंग आ रहा है। और देखोगे आगे चलकर वो जो हमारा सांख्य जो उपदेष्टा जो कपिल जी भगवान
प्रकृति जी का आविर्भाव उसी घर में होगा। जब यह प्रसंग आता है, यहां जो है भजन करते करते अचानक एक दिन देखे मनु विमान करके मनु और सतरूपा अपना पुत्री किसको, ये जो आपका देवाहुति को लेकर कर्दम ऋषि का जो आश्रम है वह आश्रम पे पहुंचे। आश्रम में जाके जब पहुंचे तो दंडवत आदि किए तो मुनि भी उठकर व स्वागत किए। उसके बाद आने का कारण बताए, ये जो पुत्री है हमारा, ये कोई आप देख लेना, हमने हम सुने हैं आपका संसार करने का इच्छा है, प्रजापति है ना, संसार को किंग ब्रह्मा का इच्छा, प्रजापति मतलब संसार को बढ़ाएगा, नहीं तो सृष्टि आगे नहीं बढ़ रहा। सृष्टि का जो वर्तमान प्रसंग है, जैसे आप वर्तमान काल में जो सृष्टि बढ़ता है, ऐसा प्रसंग पहले नहीं था। पहले सृष्टि का दूसरा किस्म का प्रसंग था, बाद में ठाकुर जी देखे सृष्टि आगे नहीं बढ़ रहा है, इसलिए ठाकुर जी और जो ब्रह्मा जो है उसका बात ये व्यवस्था हुआ। पहले ऐसा सृष्टि नहीं था, पहले मानव सृष्टि था, बहुत सारे सृष्टि। ये जो है आपका हमने सुने हैं, मनु जी महाराज कह रहे हैं कि जे ऋषिवर हमने सुने हैं आपका संसार करने का इच्छा है, तो संसार अगर करना है तो मेरा जो लड़की है शायद आपका जोड़ी बने, अच्छा कृपा करके इसको ग्रहण करो तो अच्छा है, ये भी आपको चाहती है। क्योंकि नारद ऋषि से आपका प्रसंग सुने हैं, नारद ऋषि से आपका ये जो प्रसंग है सुने हैं, आपका प्रसंग सुन के आपको ही पोती का रूप में ग्रहण किया, तो दूसरे को और ग्रहण नहीं करे। तो उसके बाद ये जो कर्दम ऋषि का साथ ओ मुनु जी का थोड़ा बातचीत हुआ, उसका बाद वो लड़का वो आपका लड़की का साथ अर्थात देवाहुति का साथ उसको शादी देकर इसके बाद बेटिया रानी को आदर करके इधर रह जाओ संसार करो, ऐसा करके धीरे धीरे विमान लेके अपना घर को चले गए। लड़की को संप्रदान कर दिया, विवाह कर दिया। बहुत सारे ऋषि मुनि आए थे, उसका प्रसंग है सारे जो भी है। उसके बाद विवाह का बाद ये जो ऋषिवर है, ऋषिवर भजन में लग गए। ये लोगों का जो शादीवादी का प्रसंग है ये साधारण आदमी का माफिक नहीं है, कोई अट्रैक्शन नहीं, कुछ नहीं है, ऐसा ऋषि मुनि सब जय करके बैठा हुआ है। वो बहुत दिन तक अपना भजन करते रहे, बहुत दिन, और मुन वो जो ये जो आपका जो पत्नी देवाहुति मैया, ये स्वामी देवता का जो तपस्या है भजन है इसमें सहयोग करने रहे पूरा बहुत दिन तक, ऐसा कि सालों साल चला गया। ऋषि तो शादी किया, बस शादी किया और कुछ नहीं, बस सेवा करते रहे। सेवा करते करते राजपुत्री काला पड़ गया, इतना सोने का वरण है। एक दफे मनुपुत्री को कर्दम ऋषि ने बताया, देवी आप ये सेवा करते, बहुत सारे सेवा किए, आप प्रसन्न कर दिया हमको, ऐसा सेवा करते करते आपका देखो कैसा हालत आ गया, आप मुनिपुत्री हो, राजपुत्री, हम जैसा मुनि ऋषि के पास आई हो आपका पास, देखो ऐसा हालत है, चलो अभी आपका अभिष्ट हम पूर्ति करें। बोल के अब क्या करें, ये तो मनुपुत्री तो है ही है राजकन्या, लेकिन देखने में जैसा एकदम दुबला पतला, क्योंकि तपस्या कर रहे, स्वामी भी तपस्या कर रहा है, वो भी तपस्या ही तो है, करते करते एकदम ऐसा हो गया काला। तो कर्दम ऋषि ने बोले एक जो है एक सरोवर बनाया, सरोवर में जितना सारे औषधि है सब डाल के, और देवी को बताए कि आप एक काम करो, इस सरोवर में नहा लो, नहाने का बाद आपका शरीर हो जाएगा पहले का माफिक।
उसके बाद क्या किया, लता औषधि अमृत है उसमें सरोवर में नहाने के लिए। इसके बाद क्या हुआ, उसके बाद नहाने के लिए उतारा, इतना सौ सौ दासी आकर सेवा करना शुरू कर दिया। वो दासी सब वैभव के द्वारा, सब जो कर्दम ऋषि जो भजन किए, कर्दम ऋषि का जो भजन का प्रभाव है, इसके द्वारा वो दासी सब सब दासी विमान पैदा कर दिया है बड़ा सा। उसमें राजधानी जैसा, राजधानी का अंदर जैसे राजबाड़ी रहता है, राजमहल, राजमहल का माफिक सारे व्यवस्था है, सोने चांदी और उसके बाद हीरा जबरत सब लगा हुआ है। चार ये सब व्यवस्था कर दिया, देख के हैरान हो गया, ऐसा व्यवस्था, बाप रे बाप। स्वर्गराज इंद्रो घबरा गया। एक कर्दम ऋषि अपना तपस्या के बल के द्वारा विमान प्रस्तुत कर दी, उसके बाद मनुपुत्री को नहलाई, स्नान करने के लिए प्रार्थना की, उसके बाद स्नान करके उठा तो एक बार पहले का मापिक शरीर, उसके बाद भोजन कराया बहुत सुंदर अमृत, कराने के बाद वो विमान में चढ़ के बैठे, बोले देवी विमान में उठो आप, बोले हम भी उठे। उसके बाद विमान में चढ़ के बैठे और विमान जो है चलना शुरू कर दिया, नंदन कानन पहाड़ पर्वत लेके ऐसा ऐसा सातों द्वीप चलना शुरू कर दिया आनंद। और इसी जो विमान के ऊपर ये विमान का ऊपर रमण किया कर्दम ऋषि और देवावती देवी मैया, रमण करते करते बड़ा आनंद हुआ। इसका बाद ऐसा दिखाया, संसार का सुख तो चख लो, किसी संसार किया संसार चख लो, संसार का सुख चखाया। उसके बाद कई कन्या आविर्भाव हुआ, कन्या बहुत सारे, लेकिन कन्या आविर्भाव मनु पहले ही कर्दम ऋषि का ये वादा था, कर्दम ऋषि ने पहले ये बोल के रखे कि देवी हम तो शादी करे लेकिन संतान उत्पन्न होने के बाद, लड़का उत्पन्न होने के बाद हम चला जाएंगे जंगल में, ये कंडीशन में आप राजी है तो शादी करेंगे। बोले ठीक है कोई बात नहीं। इसके बाद नौ कन्या, बहुत कन्या आविर्भाव हुई। पहले कन्या आविर्भाव होने के बाद जब कर्दम ऋषि जाने का प्रयास किया तो देवी रोना शुरू कर दिए, आप कैसे जाओगे, बोले आप तो जाएंगे। हम बोला, बोला आप तो बोले थे संतान आविर्भाव हो, मतलब पुत्र आविर्भाव हो, क्योंकि कर्दम ऋषि का ऊपर आदेश ही है भगवान का, हम तुम्हारा पुत्र बन के आएंगे। अब तो उसी समय तो नहीं आया, अभी आप जाओगे कैसे, आप जाना तो उचित नहीं है, हमको नौ कन्या का शादी कैसे दे, हम तो अबला है, हम तो नारी जाति है, नौ कन्या का ये शादी कैसे हम दे, ये व्यवस्था आपको ही करना पड़ेगा। तो इसका बाद सारे मनुकृति कर्दम मनुकृति, इसका बाद जो है कर्दम ऋषि जो है, उसका बाद जो ये जो है आपका शादी होने के बाद नौ कन्या, कन्या लोगों को ऋषि मुनियों के हाथ में दे दिया। और इसके बाद याद आया कि हैं ठाकुर जी का ये आदेश था कि हम तुम्हारा खानदान में आएंगे, तुम्हारा घर पे हम आएंगे। इसके बाद कपिल भगवान जी का आविर्भाव होने का प्रसंग आता है। कपिल जी का आविर्भाव होने का प्रसंग है, कपिल जी मैत्री मुनि अभी बता रहे कि देखो ये जब ये कपिल जो कर्दम ऋषि जा रहा है तो प्रार्थना कि आप कैसे जाओगे, अभी तो जाना ठीक नहीं, तो ये कर्दम ऋषि अभी संन्यास लेना बंद कर दिया। जब कपिल जी महाराज का आविर्भाव हो, कपिल जी महाराज बड़े हुए, उसके बाद कर्दम ऋषि तपस्या के लिए जंगल में संन्यास लेके चलेंगे, ये प्रसंग आएगा। भगवान का विराट स्वरूप, भगवान का सूक्ष्म स्वरूप, भगवान का चिन्मय स्वरूप सारे कर्दम ऋषि का अनुभव में आ जाए, क्योंकि भगवान तो स्वयं आया है, ये जो कपिल भगवान का रूप में साक्षात भगवान है, कपिल भगवान ही तो आया भगवान का रूप। आने के बाद ये कर्दम ऋषि जो है क्यों गया जंगल में, इसका हम पहले ही बोला था, इसका उत्तर हम देंगे, इसका कारण क्या है। भगवान साक्षात आविर्भाव हुआ, ये तो भगवान ही है,
कपिल जी भगवान शंकर तत्व उपदेश के लिए, फिर भी संन्यास लेके गया क्योंकि इसका स्थूल रूप सूक्ष्म रूप प्रत्यक्ष परोक्ष वास्तव अनुभूति जिंदगी में हो जाए इसके लिए अनुमति लेके चले गए। ये देवाहुति गर्भ में कपिल जी का जो आविर्भाव का प्रसंग है, प्रसंग आ रहा है। कपिल जी महाराज का आविर्भाव हुआ, होने का बाद जब जा रहे तो ऐसे रोका, तो इसके बाद करदम ऋषि भजन करने के लिए तपस्या करने के लिए संन्यास लेके और कपिल जी भगवान का हाथ, कपिल जी तो लड़का है ऐसा ही, अपना पत्नी को अपना पुत्र का हाथ में देकर सौंप कर चला गया जंगल में। ये विधान है शास्त्रों का। और ना लड़का का भी, जितना लड़की है उसका भी शादी दे दिया, एक एक ऋषि का साथ सब प्रसंग आएगा। उसके बाद संन्यास लेके चले गए। और इधर जो है देवाहुति मैया कपिल जी भगवान का बारे में, आप जो इतना दिन तक स्नेह करते रहे कि ये मेरा पुत्र है, अभी स्वामी चले जाने के बाद वो धीरे हृदय में तत्व ज्ञान जो है, पहले जो ठाकुर जी का कहना है कि हम साक्षात आपका घर में जाएंगे, इसके बाद हृदय में आया कि ये साक्षात भगवान है। देवाहुति अभी हृदय में पुष्ट पूरा विचार आया कि ठाकुर ये साक्षात भगवान है, इसका सामने मैं तत्वज्ञान उपदेश लेने के लिए शरणागत तो हो जाए तो अच्छा है। ऐसा पहले तो बहुत बचपन से बहुत स्नेह किया, आदर किया, पालन किया, लेकिन अभी विचार में आ रहा है तो ये तो साक्षात भगवान, तत्वज्ञान उपदेश देने के लिए आए शंखजोग को। तो मैत्री मुनि कह रहे हैं कि पितरी प्रस्थिते अरण्यम मातु प्रिय चिकित्सया तस्मिन बिंदु सरे अबात्सित भगवान कोपिलः कील। पिता संन्यास लेकर चले जाने का बाद माया का, माता जी का मंगल के लिए, चरम मंगल के लिए तस्मिन बिंदु सरो सरे अतः ओ बिंदु सरोवर का सन्निधि में किनारे भगवान कपिल देव भजन करना शुरू करें। जब भी भगवान है उधर बसवास बास करना शुरू करें। तो मैत्री जी कह रहे हैं पितरी प्रस्थिति अरण्यम, पिता जंगल जाने के बाद मातुः प्रिय चिकित्सया, माता जी को सांख्य तत्व विज्ञान उपदेश करने के लिए तस्मिन बिंदु सरे अबात्सित बास करना शुरू कर, भजन करना शुरू करिए भगवान कपिलोकिल। इस समय जो है देवाहुति ये तत्व ज्ञान उपदेश लेने के लिए पुत्र का, जो पुत्र इतना दिन तक पुत्र समझ के रखे, इसका चरण में जाकर रोते रोते शरण ली। और देवाहुति कह रहे हैं कि देखो आप निर्विन्ना नितरम भुमन असत इंद्रिय तर्शनात् जेनो संभ्यास मानेनो प्रपन्यांधम तमहा प्रभु निर्विन्या नितरम भुमान। भले ये जो जगत का जो भोग है, ये हमारा इंद्रियों के द्वारा चोख कान नाक मुख त्वचा सारे कर्मेंद्रियों ज्ञानेन्द्रियों के द्वारा ये सब विषय भोग करते करते मैं पागल हो गया। निर्विन्या नितरम भुमान औषध इंद्रिय तर्शनात्, असत इंद्रियों जितना सारे इंद्रिया है शरीर में, ये सत कभी कब बोला जाता है, इंद्रियों जो है सत कब होता है, जब सारे इंद्रियों भक्त ठाकुर जी का ही सेवा में लगे रहते। जैसे अम्बरीश महाराज का सौ वही मनो कृष्ण पदारविंद्य वाचांसी वैकुंठ गुणान वर्णने करो तद मंदिर मार्जिना दिशु सुतिम चकार चुत सत कथोदय। जितना सारे इंद्रियो है, तमाम इंद्रियों जो शरीर का है, जब ठाकुर जी का ही सेवा में लगे रहे तब तो आपका जो इंद्रिय है सत है। जितना भी तिलक लिए हो, माला लिए, जो भी हो, लेकिन अगर इंद्रियों बस में नहीं है, ठाकुर जी का सेवा में एंगेज नहीं है, तो आपका इंद्रिय असत है। समझा मेरा बात? तो इधर जो है देवाहुति मैया रो रो कह रही कि
निर्विन्ना नितरम भमान अश्वतेन्द्रिय तर्शनाथ। ये जो इंद्रिया है हमारा शरीर में, जितना सारे इंद्रिया है, ये इंद्रिया हमको बहुत बड़ा सतारा है, एकदम कष्ट दिया। ये इंद्रियों एक एक इंद्रिया जो है, जो जो कुछ मांगा हम सब दिया। आंखें जो है रूप दर्शन के लिए मांगा, कान जो है कान दर्शन शोभन के लिए मांगा है, जो इंद्रियों जो कुछ भी मांगा इंस्टेंट हम सब पूर्ति किया। लेकिन आज तक भी उसका ये इंद्रिया है हमको शांति नहीं दिया। समझा मेरा बात? इसका माने क्या है, इसका दर्शन के क्या माने हुआ, इसका दर्शन, ये जो दर्शन है इसका, ये जो कह रहे हैं कि देवाहुति मैया जो इंद्रियों का गुलामी की हमने, नौक हमने ये इंद्रिय जो है इंद्रियों का गुलामी की, लेकिन आज तक ये इंद्रियों जो है हमको शांति नहीं दी। इतना जो बोला वो हम पूर्ति किया। इसका मतलब ये है, आप अगर जितना सारे इंद्रियां हैं इसका वश में, इसका गुलामी करते रहो तो कभी भी ठाकुर जी का प्राप्ति हो नहीं सकता, ठाकुर जी का चरण। इससे बोले निर्भिन्ना नितरम भूमान अश्वतेन्द्रिय तर्शनात्। तर्शन तर्शन माने तृष्णा, अश्वतेन्द्रिय का जो तृष्णा है, आंखें बुरा बुरा चीज देखना चाहता है, कान जो है बुरा बुरा चीज सुनना चाहता है, जवान जो है बुरा बुरा चीज बोलना चाहता है, खाना चाहता है, ये जो है ये से छुटकारा हमको अभी तक नहीं मिली। कपिल जी का सामने देवावती मैया रो रो कर कह रही कि निर्विन्ना नितरम भ्रमा, हमने फेडअप हो गया। तभी भी आज तक भूमन भूमन बोल रहे, ये जो लड़का, ये जो लड़का है कपिल जी, इसको भूमन बोल रहे, भूमा पुरुष, भूमन मतलब भूमा पुरुष, अनंत ब्रह्मांड जोर कर, अनंत ब्रह्मांडों में जिसका प्रभाव है ये ठाकुर जी, इसको भूमा पुरुष। उपनिषद में आता है जे भूमा पुरुष का साथ आपका दर्शन ना हो जाए, भूमा पुरुष का अनुभव ना हो जाए तब तक शांति नहीं मिले। भूमैव सुखम नाल्पे सुखम अस्ति, नाल्पे सुखम अस्ति, अल्प में थोड़े में शांति नहीं होता। भूमैव सुखम, भूमा एव सुखम, जब भूमा वस्तु का साथ आपका मिलन हो जाए, अनुभव हो जाए आपका, तब आपका सुख शांति आएगा। भूमा वस्तु हमने पहले भी बहुत दिन, आज से चार पांच सात दिन पहले बताया था, जब तक अनंत देव का साथ बद्ध जीव का संबंध नहीं हो जाए तब तक उसका दिल का जो अभाव है ये कभी नहीं मिटने वाला, कभी नहीं मिटेगा। तो निर्विन्ना नितरम भूमान अश्वतेन्द्रिय तर्शनात् जेनो संभाष माने न प्रपन्यांधम तमहा प्रभु। अब इंद्रियों का गुलामी करते करते, इंद्रिया जो जितना सारे हमारा इंद्रिया है, अब हम प्रपन्यांधम तमहा प्रभु, हे प्रभु हम अंध तमो में, क्योंकि भोग जो है भोग आपको तमोगुण में डालेगा, नरक में डालेगा। जितना ही भोग का वासना आपका हृदय में रहे, अंतिम में भोग के द्वारा आपका नरक ही मिलने वाला है और कुछ नहीं मिलेगा। तो अभी जो है अभी रो रो के फूट फूट के कह रहे कि देखो आप कृपा करके बताओ हम क्या करें। ये जो तत्व जिज्ञासा, इसका नाम ही तो तत्व जिज्ञासा है, तत्व जिज्ञासा तो है। तत्व जिज्ञासा जब कर दिया तो उसका बाद उत्तर होगा। अपार ये संसार समुद्र है, इसमें मैं भोग वासना के द्वारा दुर्लभमान कितना कष्ट भोगे, आप भोगते भोगते मेरा ऐसा हालत हो गया कि अभी तक हाथ, अभी तक हम पीछा नहीं छोड़ता। ये जो बदमाश इंद्रियों सब हैं हमारा पीछा नहीं छोड़ रहे, अब आप बचाओ, कैसा कैसे हम बचे, इसका रास्ता बताओ। इसी का नाम है तत्व जिज्ञासा, इसी का नाम तो है तत्व जिज्ञासा। तो जब ऐसा प्रश्न किए कपिल जी महाराज देवाहुति मैया का सामने, अभी तत्व ज्ञान संकुत सांखु तत्व ज्ञान का विज्ञान का उपदेश देना शुरू कर दिया। भगवान वाचो बोले देखो चेतो खोलु अश्व बंध्याय मुक्त चात्मन मतम गुणेशु शक्त्यम बंध्याय रतम व पुंसी मुक्त। बोले देवी मैया के पुताए जे चेतो खोलु अश्व बंध्याय, आपका जो अंतकरण है, अंतकरण जो है यही आपका बंधन का कारण है। अंतकरण का जो गठन है वो कैसा है, अंतकरण जो हमारा बंधन का कारण बताया अभी, ये अंतर जो है चेत
खलु अश्वबंधायो मुक्तय च आत्मनमतम गुणेषु शक्तम। गुण के द्वारा सत्व रजो तम गुणों के द्वारा आपका बंधन हुआ, आपका जो बंधन है हृदय का बंधन है बड़ा तगड़ा है। चेतो खलु अश्वबंधायो चित्तों में बंधन है, और चित्तों का जो गठन है वो गठन कैसा है, चित्तो मन बुद्धि चित्तो अहंकार। चित्तों का जो अंतकरण जो है अंतकरण मन बुद्धि चित्तो अहंकार। मन बुद्धि चित्तो अहंकार का व्याख्या बहुत बार हम कर चुके बहुत पहले पहले कथा में। मन बुद्धि चित्तो अहंकार ये सब बंधन का सूक्ष्म देव, इसका नाम है, इसका नाम है सूक्ष्म अंतकरण। यही बंधन का कारण है, यही आपको ये शरीर छोड़कर दूसरे शरीर पे जाने के लिए मजबूर कर दे। आप मजबूर हो जाओगे शरीर छोड़कर दूसरे शरीर में जाने के लिए, आप विवश जाना ही पड़ेगा। ये शरीर, ये जो सूक्ष्म शरीर है, जब तक इसको इसका रैप्चर ना हो जाए, इसको जब तक तोड़ोगे नहीं तब तक कोई फायदा नहीं मिलेगा। इसलिए भक्तिविनोद ठाकुर कीर्तन में बोला लिंगो देहो भंगो हय अनायासे, कीर्तन में है ना लिंगो देव भंगवास कौन हरिनाम जय जय हरिनाम कीर्तन है ना, इसमें लिंगो देव तब स्वल्प स्फूर्ति पाए उग्रता पर दूरे जाए लिंग भंग हो या ना ऐसे कीर्तन में ना सब गाते हैं, याद नहीं है किसी को। ऐसा करते करते ये चित्त जो है मैया आपका, ये चित्त है यही आपका बंधन का कारण है, और यही चित्त आपका मुक्ति का भी कारण है। ये चित्त आपका बंधन का कारण है, यही चित्त आपका मुक्ति का कारण है। बल कब होगा बंधन का कारण है क्या, गुणों के द्वारा त्रिगुण के द्वारा जब तक बंध है तो यही अंतकरण आपका आपको बाइंडिंग बंध के रखेगा, और जब त्रिगुण छोड़ दे तो आपका मुक्ति हो जाएगा। वो कैसे होगा, वो साधु संघ के द्वारा होता है, बिना साधु संघ होता ही नहीं कुछ। इसका बारे में बताए सुन दो देखो, प्रसंग मजरम पासम कवयो आत्मनः विदु, आत्मनः कवयो विदु, हम तो आगे पीछे कर दिया। प्रसन्न प्रसंग मजरम पासम आत्मनः कवयो विदु सएव साधुसुकृतः मोक्षदारम अपावृतम। प्रसंग अजरम पासम कवयो आत्मनः विदु, कवयो मतलब दिव्य सुरयो। हे व्हाट हैपेंस पुलिस डोंट डिस्टर्ब, इसको कथा में नहीं बढ़ने देना, काल से भाग भगा देना पुलिस, विक्षेप होता है ना इसमें, कितना बड़ा अपराध कर रहा है। क्या बोल रहा था हमने हाँ, ये जो है प्रसंग मजरम पासम आत्मनः कवयो विदु स्वयं साधु सुकृत मोक्षदारम अपावृतम। ये जो है आपका जो जो संग कर रहे हो अभी, जो संग जितना संग कर रहे हो समाज संसार में जितना संग कर रहे हो, ये सारे जो प्रसंग है आपका बंधन की कारण है। क्यों, ये गुणोमय संग, जितना सारे संग कर रहे हो जितना भी आप रिलेशन रखे हो सारे आपका बंधन का कारण, क्योंकि ये गुणोमय संग है। ये त्रिगुण का अंदर जो आप संग कर रहे हो सब त्रिगुण का अंदर, और जब आपका संग ऐसा हो जाए स्वयं, ये जो ध्यान से सुनना, आप जो रिलेशन, ये जो आपका जिंदगी है, ये तो जिंदगी है, ये जिंदगी में आप जितना रिलेशन बना के आज तक बैठे हुए हो ये सब रिलेशन जो है आपका बंधन की कारण। लेकिन यही बंधन मतलब आपका साथ बंधन कैसे है, आप प्रीति करते हो सबको, जैसे एक बच्चा है कुत्ता का प्रसंग हम बताया था, कुत्ता को प्यार किया, जबकि एक कुत्ता जो है जड़ जगत का प्रसंग है, उसका साथ प्यार किया उसका बंधन हो गया। आप पोता पोती जो भी है सब, हम ये नहीं बोलते घृणा करो, लेकिन इसका साथ जो आपका प्रीति का विनिमय, ये सारे बंधन के कारण है, आपको छोड़ेगा नहीं, अगले जन्म में आपको उसका हिसाब चुकाना पड़ेगा। इससे देवाहुति मैया को बताए प्रसंग मजरम पासम कवयो आत्मनः विदु, कवयो मतलब दिव्यो सुरयो विदु,
जानता है कि ये प्रसंग जो है सांसारिक प्रसंग सारे बंधन की कारण है। अब ये जो प्रीति जो संसारी आदमी के साथ कर रहे हो ना, स्वामी के साथ, बंधु दोस्त का सब करोगे, कहाँ जाओगे? इतना हिम्मत नहीं है। लेकिन ये अगर साधु संतों का साथ करोगे, ये तुम्हारा मुक्ति का कारण बन जाए। यही कि ना, बिना प्रीति तो संसार में रहना मुश्किल है। प्रीति तो रहेगा, प्रीति करना जीवों का स्वभाव है। एक कुत्ता बिल्ली भी है, वो भी प्रीति करता है अपना बच्चा को, ऐसा ऐसा कर। सिंह है, लायन जो है, वो जो है शेर जो है, वो भी अपना बच्चा प्रीति कर। तो प्रीति छोड़ के होगा ही नहीं, प्रीति होगा ही। ये प्रीति का प्रसंग आप काट नहीं सकोगे। लेकिन ये प्रीति का प्रसंग अगर घुमाकर साधु गुरु भगवान नाम धाम इसी में लगा दोगे, असत्य स्तत बसति स्थले, है ना, ये सब श्लोकों का हम चर्चा करेंगे कल सुबह। साधु का जो प्रीति है, वो कितना भी अब कुछ खाने दो, कुछ दो, कुछ नहीं लेना चाहता है उसको। उसका मन है केवल ठाकुर जी का नाम, ठाकुर जी का धाम, हर वक्त वृंदावन में जहां कहीं भी हो। एक वास्तव साधु जो है गौड़ियो मठ का, गौड़ियो समाज का, वो कहीं भी हो, चाहे बॉम्बे में हो, लेकिन उसका हृदय जो है वृंदावन में रहता है। वृंदावन का बाहर कभी नहीं, जब भी देखो हर वक्त वृंदावन में, कहीं भी रहे, कोई भी प्रवचन कुछ भी करे प्रवचन, हर वक्त मन वृंदावन में होगा ही नहीं। और भजन में विक्षेप डालने वाला जो चीज है, वो संत लोग लेना नहीं चाहता, लेकिन आप लोग जेद करते हो लेना ही पड़ेगा, उसमें विक्षेप हो जाता है, इसलिए माना करता है। इसमें कोई क्रोध नहीं है, काम ने हमको गाली गाली दिया, हमको लिया नहीं, ऐसा नहीं, इसमें क्रोध नहीं। वो सोचता है कि हमारा अगर भजन का विक्षेप होए तो आपका ही नुकसान है, क्योंकि हमको कथा बोलने बैठना पड़ेगा ना, तो ये तो आपका मैक्सिमम बेनिफिट है ना। तो ये बात, जो भी है खाना पीना के मामले, वो सावधान रहता है कि थोड़ा बहुत करके शरीर को चलाता है। पर प्रसंग मजरम पासा पासम आत्मन कवयो विदु आश्वाय साधु सुकृत मोक्षोदारम अपापृतम। और यही प्रसंग, ये जो संबंध है, ये जो व्यवहार है, ये अगर साधु संतों के साथ हो जाए साथ, तो ये आपका मुक्ति का कारण बनेगा। मुक्ति मतलब मोक्षोदारम अपापृतम, मोक्ष मुक्ति का व्याख्या हमने किए, मुक्तिर हित्वा अन्नत रूपम स्वरूपेण व्यवस्थित इति मुक्ति, ऐसा किया। उसके बाद साधु का लक्षण बताया। अब कपिल जी कह रहे हैं कि साधु संग स्वयं साधु सुकृत मैया, ये संग अगर साधु का साथ हो जाए तो आप मैया अगर पूछे तो साधु कौन है, कैसे हम समझे कि कौन साधु है? आपका अंदर में क्वेश्चन आएगा ना, साधु कौन है? सब तो साधु का भेष बना के बैठे, हमको कैसे पता चले कौन साधु है? इसका बड़ा भारी लक्षण है। हम जहां भी कथा बोलने जाते हैं, हम उन लोगों को प्रार्थना करते हैं, आप हर रोज साधु संतों का जो विचार है, जो लक्षण है, इसका बारे में चर्चा किया करो। इस समाज जो है साधु संतों का क्या व्यवहार है, कैसा लक्षण है, वो जानते नहीं, इससे किसी को भी साधु मान के बैठ जाते, धोखा खा जाते। साधु का लक्षण क्या है, कौन है, उसका सिम्टम क्या है, इसका बारे में कोपिल जी महाराज मैया को कह रहे, क्योंकि मैया को साधु संघ के लिए बोला। आप साधु संघ कहां मिले, इसका तो लक्षण बताना चाहिए। इधर जो है, इधर बता रहे हैं, तितिक्षव कारुणी कहा सुहृद सर्वदेही नाम अजात शत्र शांत साधवो साधु भूषण। थोड़े से साधु का तो बहुत सारे लक्षण है, थोड़े दो चार शब्दों में बता दिया। वो देखो मैया, साधु का लक्षण सुन लो, कैसे कैसे समझोगे कि साधु। भक्तिविनोद ठाकुर और सुंदर विचार बताया, चैतन्य महाप्रभु का विचार। दो सिम्टम देखोगे इसके द्वारा एकदम जबरदस्त हो। एक है नामे रुचि जीवे दया, हरिनाम में बड़ा रुचि है, इतना है हरिनाम में एकदम। कभी भी ऐसा जीवन में ऐसा दिन नहीं जाता है जिस दिन वो कम से कम लाख नाम किए बिना सोया, ऐसा नहीं होता। अगर बहुत व्यस्तता है, इधर जाना पड़ता है, यहाँ प्रवचन है, इधर प्रवचन है, बहुत सारे लोग आए देखा करने के, उसको भगाए कैसे, इतना दूर दूर से आए, उसको दर्शन देना पड़ेगा, और फिर नाम कब करे, पर रात को जग जग कर नाम करे तब सोए। ये जो है उसका जिंदगी में नाम, नामे रुचि,
जब भी किसी का अंदर में नामे रुचि देखो, इसका अंदर में देखोगे जीव को दया करने के लिए बड़ा इच्छा। अब दया कैसे करे? जीवों का मुक्ति के लिए, जीवों को उद्धार के लिए वास्तविक साधु संतों का हृदय में क्या विचार है, ये अब आप जबको मिलेगा जानकारी अब रोना शुरू कर दो। आपको पता ही नहीं कैसे भी हालत से, किताब से, प्रवचन से, प्रदर्शन करके उसको घुमा घुमा के कैसे ठाकुर जी का उल्लू हो जाए। ये प्रयास पर चेष्टा है। भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी प्रभुपाद का पूरा जिंदगी आप छानबीन करके देखोगे तो पागल बन जाओ। जब 62 साल का उम्र है, प्रभुपाद को देखने में लगा 80-90 साल हो गया। इतना परिश्रम किए, विश्राम कुछ नहीं, विश्राम कुछ नहीं, पूरा तमाम जिंदगी परिश्रम करते करते बस कभी आसामी पत्रिका निकल रहे, कभी अंग्रेजी, कभी बांग्ला, कभी हिंदी, कभी उड़िया, कितने भाषा, अरे बाप रे बाप। आ कोई आप आजकल का जमाना का मापी के ये सब मशीन फैसे नहीं था, कुछ कंप्यूटर कुछ नहीं था। तब की जमाने में प्रभुपाद डेली, जैसे आप न्यूज़पेपर अखबार आता है ना, मठ में तो अखबार आना उचित नहीं है, सब अखबार लेके बैठ जाएगा, हरिकथा नहीं सुनेगा, बिल्कुल निषेध है, प्रभुपाद जी का निषेध है केशव गोस्वामी महाराज का, मठ में अखबार मत लाओ, उसे उल्टा पल्टा पिक्चर देखेगा, क्या काम है तुम्हारा, तुम ये सब देखोगे, बिल्कुल बंद होना चाहिए। न्यूज़पेपर का न्यूज एकमात्र जो इंचार्ज है, कोई घटना घटा तो उसके लिए देख सकता, थोरो न्यूज़पेपर देखने का हमारा जरूरत, हमारा कोई इंटरेस्ट ही नहीं, कोई जड़ जगत का सर हमारा कनेक्शन नहीं, जगत में क्या हो रहा है हमारा कोई पता नहीं, फिर भी ठाकुर जी मेरा जिंदगी को चला रहे, कभी भी हमारा इंफॉर्मेशन नहीं लेते, ऐसा है। तो ये जो है आपका जो तितिक शबहा, मैंने बहुत सारे कष्ट सामने आया फिर भी उसका कष्ट नहीं है, तिथि सहन किया, तितिक शबहा कष्ट का कारण है लेकिन वो सहन किया, तिथिक स्वभाव कारण ही कहा। जो हम बता रहे थे प्रभुपाद डेली, आजकल का जमाने में जो आजकल का जो एडवांस, जो साइंस का एडवांसमेंट हुआ, उसमें सुबह शाम न्यूज़पेपर निकल रही कोई बड़ा बात नहीं, क्योंकि वो सब मैसिंग में हो रहा है। अभी हमारा इधर कथा हो रहा है, कथा को डायरेक्ट अमेरिका में चले जाए, ये संभव है, होता भी है वृंदावन में कथा हो तो डायरेक्ट चले जाए, ये संभव है, क्योंकि ये तो हमारा कोई कुछ नहीं है, ये जो है ये आधुनिक विज्ञान का, इसमें हमारा क्या है? लेकिन तब की जमाने में कोई व्यवस्था नहीं था, हैं? तब की जमाने में सब शास्त्रों का जो विचार है ये सब उठाकर शास्त्रों में लिखना, उसका एडिटिंग करना, उसका प्रिंटिंग होना, फिर प्रिंटिंग होने के बाद दो तीन साधु, तीन चार साधु है हमारा भक्ति नीलगिरी महाराज, पूरा न्यूज़पेपर के कांध में लेकर ट्रेन फ्रेन में जाके भगवत पत्रिका देते थे। आपका कोई करे? कोई करे? कोई नहीं करेगा। श्री बामन गोस्वामी महाराज पत्रिका गुरुजी आदेश किए जल्दी प्रिंटिंग करके ले आओ, हम इधर है, तो कोई नहीं है, अकेला सब एडिटिंग किया, सब फॉर्मेट किया, सब लगा के खोद मशीन चलाना शुरू कर दिया, चलाते जरा हाथ अचानक हाथ अंदर में चला गया, काट के एकदम आंगल एकदम, डॉक्टर के पास गया, डॉक्टर बोले तो बड़ा मुश्किल हुआ, इसको काटना पड़ेगा, काट दो, काटना पड़े तो काट दो, इसको लेके गया। कैसा संत महात्मा था, कितना ऊंचा, अब थोड़ा बहुत खाना पीना इसी में लगे, जैसे कि पशु जैसा है, कोई सेवा नहीं, अरे कोई बोले ना तो इधर आओ नाटो मंदिर की सफा करो, सेवा नहीं है, वो लोग बोलेगा प्रसाद पा रहा है तो कुछ करके पाओ, नहीं तो ऋणी हो जाओगे, सोते रहोगे, ऐसा सोते रहोगे, कुछ नहीं होगा, हमारा घर में आना, बात तो नहीं करेगा, कुछ इशारा करें हम तब सोचोगे। ये जो है आपका तितिक शबहा, इतना बड़ा करुणा है, मासिक पत्रिका, त्रैमासिक पत्रिका, क्वार्टरली पत्रिका है, और मंथली पत्रिका, मासिक पत्रिका जो है, और डेली पत्रिका, पाक्षिक, कैसा संभव है एक साधु जो है
कितना टीम बनाया तुरंत, इतना हाई कॉन्शियसनेस, तुरंत लेखा को देख के दिया, तुरंत उसको बात हो गया, उसको दे दिया, उसका बात हो गया, वो चला गया प्रेस में, शुरू कर दिया। बोलो कितना कॉन्शियस था, और किस कॉन्शियसनेस का डिग्री किस अवस्था में लेवल पे नीचे आ गया। अपराध करते करते खत्म हो जाओगे, साधु संतों का बात रहो मत, अपराध करोगे, कुछ नहीं करोगे, रहना तो उचित है, फिर भी हम माना करते क्यों, तो बुद्धि नहीं है, अपराध करते करते उल्टा हो जाएगा। तो तितिक्षवा कारुणी कहा, तितिक्षवा है वो सहन करते, कितना भी कष्ट हो उसको सहन करे, मान अपमान आदि सब तितिक्षवा। और कारुणी कहा, करुणी कहा मतलब जीवों का लिए दर्द होता है, कैसे हम उसको एलो को बचाए, कैसे रक्षा करे, ये तो सुनना नहीं चाहता, इसको कैसे रक्षा करे। ऐसा जो सुहृद सर्वदेही नाम सर्वदेही देहधारी जीवों के लिए सुहृद है, किसी का अमंगल नहीं मांगता, किसी का अमंगल नहीं मांगता। कोई अगर शत्रुता करे, महाराज जी को सब विनाश करो, फिर भी उसका मंगल होने के लिए, मंगल करने के लिए प्रार्थना करता है, मंगल करने के लिए प्रार्थना करते, ठाकुर जी इसका मंगल कैसे हो जाए, वो बहुत प्रयास प्रचेषा कैसे उसका नुकसान हो जाए महाराज का, लेकिन महाराज चिंता करें उसका मंगल कैसे हो, यही हाँ। तो ये जो है आपका करुण कारुणी कहा, सुहृद, सुहृद मतलब दूसरे का मंगल का प्रचेष्टा करना, सुहृद और कोई इंटरेस्ट नहीं है मंगल का, सुहृद सुहृद सर्वदेही नाम सारे जीवों का लिए, सर्वदेही नाम अजात शत्रु, उसका कोई शत्रु नहीं है, चाहे तुम उसको दुश्मन मानो, तुम्हारा मर्जी है, चाहे तुम उसको दुश्मन मान के चलो, लेकिन वो किसी को दुश्मन मानता ही नहीं, क्योंकि तमाम जगत को भगवत संबंधों के द्वारा दर्शन करता है, तमाम जगत को भगवत संबंध ठाकुर जी का ही तो है, दुनिया सारे प्राणी जो है तो ठाकुर जी का, किसको हम मारे, किसको मारे बोलो, किसका साथ हम लड़ाई करें, उचित नहीं है। इसलिए बताया कि सुहृद सर्वदेही नाम, तो उसके बाद अजात शत्रु, अजात शत्रु उसका कोई शत्रु नहीं है, कोई बेईमानी करे तो वो ठाकुर जी को बोले ठीक है अच्छा ही बात, अजात शत्रु शांत, शांत मतलब शांत हो जाए, वो सर्वकत शांत मतलब ये जो शांत है, ये शांत जो शब्द हमने बताया इसका माने क्या, शांत मतलब तो ये नहीं लोहा पट्टी में कोई लोहे का कारोबार करता है बैठा है, लोहे का जो गद्दी है, लोहे पट्टी में गया कभी, लोहा पट्टी में नहीं गया, नहीं गया, लोहा पट्टी में जाओ देखोगे एक एक बड़ा सेठ जी ऐसा बैठा, आओ 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 करके बुलाएगा, बहुत एकदम ठंडा दिमाग से, जैसे लगेगा वो बड़ा भजनशील है, कितना मीठा बोली, ठंडा या गर्म पहले बोलेगा बैठा लेगा, लेकिन वो जो है मन में अशांत है, बाहर में देखोगे वो शांत है, चुपचाप बैठा हो गद्दी पे 5 घंटा 6 घंटा, लेकिन वो शांत नहीं है, शांत ये नहीं है, तो चंचल है मन में, बाहर में वो देखते हो पैसा कहाँ लगा है, कहाँ से 4 का 54 हो जाए, ये विचार कर रहा है, देखने में शांत शांत नहीं है, शांत का विचार हमारा शास्त्र में बताएगा, हमारा चैतन्य जी कृष्ण भक्त निष्काम अतएव शांत, जिसका हृदय निष्काम नहीं बना वो चाहे तुम्हारा कोई भी हो, हम तो झूठा नहीं बताएंगे, क्या दरकार है, आओ ना आओ तुम्हारा मर्जी, लेकिन सच्चा गदी है ये, यहां उसे बताया कि देखो कृष्ण भक्त एकमात्र निष्काम अतएव शांत, तो इसका मतलब ये नहीं कि राम भक्त शांत नहीं, ये नहीं, कृष्ण भक्त हमने बताया, इसलिए कृष्ण स्वयं अवतारी है, कृष्ण अवतारी है, कृष्ण का अंदर में राम निशिंगो बराव सारे हैं, इसमें कोई दोष नहीं है, सारे अवतार है, तो इससे कृष्ण बोल दिया तो ठीक है, कृष्ण का अंदर सारे देवता है, तो विष्णु तत्व का अर्थात कृष्ण भक्त निष्काम होता है, कोई कामना वासना नहीं रहता है, इसलिए वो निष्काम, कामना वासना अगर हृदय में रहे तो कभी भी निष्काम नहीं बन सकता, निष्काम बनना संभव नहीं है। तो इधर बताया अजात शत्रु शांत, उसका बाद साधव साधुभूषणा,
ये जो गुनावली मैया आपको बताए, ये सब गुनावली जिसका अंदर में देखोगे वो पकड़ के रखो, ये साधु का भूषण है, आभूषण है, आभूषण है ना, आभूषण है ये गुनावली जो है साधु का आभूषण है, और किसी का अंदर में गुनावली नहीं है। नाम गाने सदा रुचि, ये सब श्लोक को हम चर्चा करेंगे अगले दिन में, शांत बैठो ठीक से। और इसमें देखोगे नाम गाने सदा रुचि, ये बड़ा लक्षण है जिसका हम बता, नाम गान में सदा रुचि, और सारे जो जीव है जीव का लिए उसका अंदर में कैसे इसका मंगल हो, नामे रुचि जीवे दया, ये सबसे बड़ा लक्षण है। उसके बाद साधु का लक्षण धीरे धीरे विचार करो, पागल हो जाओगे। तो इसका बाद एक श्लोक का थोड़ा बहुत चर्चा करके हम छोड़ेंगे, बहुत जल्दी आ गया, ठीक से व्याख्या भी हो नहीं पाया, ठाकुर जी जाने क्यों। जो भी है इसमें सतांग प्रसंग्याद मम वीर्ज संविदो भवंत हृत्कर्ण रसायन कथा तज्योत्सनाथ आसु अपपर्ग वत्मनी है श्रद्धा रति भक्ति रणुक्रमिष्यति। भले मैया को बताए कि मैया देखो सतांग प्रसंग्यात, अगर वास्तव साधु संग हो जाए, साधु प्रसंग से क्या होता है, सतांग प्रसंग्यात महावीर जो संविदो भवंत हितकर्ण रसायन कथा, एक वास्तव साधु का साथ देखा हुए वो भी कभी ग्राह कभी आपका मार्केट का बात नहीं बताएगा। जब भी कोई साधु का साथ मिलो तो वास्तव साधु जो है बाजार का कथा नहीं बोलेगा, कभी भी नहीं बोले, ठाकुर जी का प्रसंग ही बोले, नियम है। और सतांग प्रसंग्यात मम विज्ञ संविद भवंत हृत्कर्ण रसायन कथा, कपिल जी ने कह रहे हैं कि साधु संधु का संग में हमारा विज्ञवती कथा चर्चा होने का अवसर प्राप्त होगा, प्राप्त होता है साधु संग के द्वारा ही। एकमात्र सत्संग, बिना सत्संग तरही न कोई, ये जो प्रसंग है इसके लिए राम कृपा बिनु सुलभ न सुई, सत्संग मिले हरिकथा सुनने को मिले, इसका मतलब आप सोच के रखो बहु बहु जन्म का पूर्ण सुकृति है, इसके द्वारा ठाकुर जी आपको पर प्रसन्न भय और आपको ये सब श्रवण का अवसर दे रहा है ठाकुर जी, ये सचो। ये अगर दिमाग में आए तो इसको ध्यान से सुनो और उसका बात मंगल हो जाए। सतांग प्रसंगात महाविज्ञ संविद भवन तीर्थ कर्ण रसायनक कथा तज्जो सुनो, जो संतों का मुख से वाणी निकलते हैं अप्राकृत वाणी का मंदाकिनी प्रवाह, वो सुनते सुनते तज्जो सुनात वो कथा को आस्वादन करो, तज्जो सुनात मतलब उसको आस्वादन करते रहो, पागल का मापित मत सुनो है, कैसे सुनो बोले तज्जो सुनात इसका आस्वादन करो कथा को, करते करते क्या होगा अपवर्ग वत्मनी, पवर्ग हमने बताया था, पवर्ग पहले ही बताया था 5-7 दिन पहले, अपवर्ग मतलब ठाकुर जी का प्रसंग। तो इसमें क्या आता है तो बड़े रोति आएगा, श्रद्धा रोति भक्ति रोनुक्रमिष्यति, श्रद्धा होगा, श्रद्धा शब्द में क्या है कृष्ण चरण में भक्ति करो तो सारे हम, हमारा कोई ड्यूटी शेष नहीं रह जाएगा, क्या इसका ड्यूटी करे तो समाज में रहता करना चाहिए, नहीं होगा, सारे ड्यूटी खत्म। तो इसके बाद क्या हो, यही जो बताया तज्जोसनत श्रद्धा, श्रद्धा सप्तम श्रद्धा शब्दों के द्वारा यही माने आता है जो कृष्ण में भक्ति करो इसके द्वारा सारे, ये विश्वास श्रद्धा शब्द कहे सुदृढ़ विश्वास, कृष्ण में भक्ति करो तो सारे, तो श्रद्धा उसके बाद कृष्ण में रति उत्पन्न हो, मति गति हो, श्रद्धा रति और उसके बाद भक्ति रणुक्रमिष्यति, श्रद्धा रति भक्ति रणुक्रमिष्यति, अगर भक्ति हो जाए तो उसके बाद कहना ही क्या, भक्ति तो मुक्ति, जिसके दिल में भक्ति पैदा हो जाए वही तो मुक्ति, और क्या, भक्ति आ जाए तो सेवा में लग जाओ तो शरीर छोड़ के ठाकुर जी का धाम में आपको एक स्वरूप दिया जाएगा, सुंदर स्वरूप, ये शरीर नहीं चलेगा, इसके बाद उस स्वरूप लेकर ठाकुर जी का धाम में नित्य सेवा में रह जाओगे और कोई पतन होने का कोई संभावना है नहीं। सतांग प्रसंग्यात मम वीर्ज संवितो भवन्ति हित कर्ण रसायना।